हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें कि हम तीसरा चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का आज चौथा पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के तीन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहले दो पार्ट में हमने थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी और लास्ट के तीसरे पार्ट में हमने SFD VMD बनाना सीख लिया था। और तीसरा लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था कैंटिलीवर बीम के लिए SFD VMD का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने देखा होगा उस लेक्चर को एंड आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों, हम बात करने वाले हैं SFD एंड BMD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। यानी आज हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए SFD BMD बनाना सीखेंगे, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हम कैंटिलीवर बीम के लिए सीख चुके थे, इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम कर लेते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका एक और बचेगा जो आपके स्लीवर्स में है, ओवर हैंगिंग बीम के लिए SFD एंड BMD। तो उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस पार्ट में दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड बीम के हम पॉइंट लोड वाले और UDL वाले सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह से फोर्स लगाता है, तो कई बच्चों का कन्फ्यूजन होती है कैलकुलेशन करने में। तो मैं टफ से टफ क्वेश्चंस लेके चलूंगा, बिल्कुल इजी से लेकर के, और हम मॉडरेट एंड हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको कोई कैसी भी कन्फ्यूजन ना रहे SFD BMD बनाने में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। एंड जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट और UBL वाले लोड के लिए जो SFD BMD होते हैं, उन्हें मैं SFD BMD का इसके सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगले पार्ट में कवर करा दूंगा। मतलब कहने का ये है कि SFD BMD के सिंपली सपोर्टेड बीम के हम दो पार्ट करेंगे, जिसमें से एक पार्ट में आज के इस पार्ट में हम सीख लेंगे पॉइंट लोड और UDL वाले क्वेश्चंस, और दोनों एक ही साथ लगे हों, UDL और पॉइंट लोड, तो उसके लिए SFD BMD कैसे बनाते हैं ये भी सीख लेंगे। बट जो UBL के क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उसको मैं अलग से पार्ट बना दूंगा इसी का, तो उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी, पहले हम बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे कि पहले W की फॉर्म में अगर लोड लगा हुआ हो, पॉइंट लोड हो, तो उसका SFD BMD कैसे बनेगा। UDL हो W की फॉर्म में, तो उसका SFD BMD कैसे बनेगा। फिर हम न्यूटन और किलो न्यूटन की फॉर्म में फोर्स लगा करके तब देखेंगे SFD BMD। मतलब कहने का ये है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे हम इस लेक्चर में पूरी तरह से SFD BMD के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप इसका फर्स्ट टाइप, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम के स्टैंडर्ड फॉर्म में से सबसे पहली फॉर्म है आपकी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SFD एंड BMD, SFD एंड BMD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट। अब हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वे सभी लिख लेंगे हिंदी में, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा प्लीज करके खुद से। शुद्ध आलंबित धरण के लिए SFD एंड BMD जिसके मध्य बिंदु पर बिंदु भार लगा है, क्लियर ना, लिख लिया सभी ने, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। शुद्ध आलंबित धरण के लिए SFD एंड BMD जिसके मध्य बिंदु पर पॉइंट लोड लगा है, यानी बिंदु भार लगा है, क्लियर। चलिए बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना दोस्तों, बिकॉज यहाँ कैंटिलीवर से थोड़ा सा काम हल्का सा बढ़ जाएगा, बाकी सब कैंटिलीवर के जैसा ही रूल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी कोई भी, जैसे ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। आप सभी जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसी बीम होती है जो अपने दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट पर टिकी होती है, ठीक है ना। एंड आपने जब इस पर बीच में W लोड लगाया, मिड पॉइंट पर W, सपोज इसकी टोटल लेंथ L थी, यहाँ से और यहाँ तक L लेंथ है, और जो मिड पॉइंट तक की लेंथ है वो L/2 है, इधर से भी L/2 एंड इस साइड से भी L/2 है। इतना समझ पा रहे हैं, पॉइंट को नाम दे सकते हैं, पॉइंट A है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको पता है पॉइंट ए पर जो सपोर्ट थी, इस पर रिएक्शन आर ए उत्पन्न होगी एंड बी पॉइंट पर रिएक्शन आर बी उत्पन्न होगी, क्लियर ना। हमारे स्टेप सभी पीछे वाले वही रहेंगे जो हमने कैंटिलीवर में सीखे थे। पहला स्टेप रहता है हमारा, क्या करते हैं हम रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शंस हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रतिक्रियाएँ, पहले हम बताएंगे प्रतिक्रियाएँ, ठीक है। यहाँ रिएक्शंस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों सपोर्ट पे एक एक रिएक्शन है, मतलब दो रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमने इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन पढ़ी थी उसी से हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। हिंदी में आप लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में,
और इंग्लिश में लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या लिखेंगे? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे संतुलन की अवस्था में। अब क्या होती है संतुलन की अवस्था? तो आपने मैकेनिक्स में तीन पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। एक पढ़ा था सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, दूसरा पढ़ा था सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, तीसरा पढ़ा था सिग्मा एम बराबर जीरो। यही तो होती हैं तीन आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो एफ एक्स मतलब होता है एक्स अक्ष पर जितने फोर्स लग रहे हैं, क्या इसमें कोई फोर्स एक्स अक्ष के अलोंग लग रहा है? एक्स अक्ष मतलब इस तरह से या फिर इस तरह से, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसका तो यूज करना नहीं है। एफ वाई का मतलब बाई अक्ष के अलोंग, बाई अक्ष के अलोंग ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, यस इस तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं फोर्स, तो हम एक तो इसका यूज करेंगे सिग्मा एफ वाई का, और एक हम सिग्मा एम का यूज करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ का यूज करके हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। समझ पा रहे हैं इतना? चलिए तो करते हैं, पहले रिएक्शन निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको बेसिक मेथड से सिखा रहा हूँ रिएक्शन निकालना, फिर डायरेक्ट बताऊंगा कैसे रिएक्शन निकालेंगे आप बिना इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाए कम टाइम में, ठीक है? वो भी सीख लेंगे आप, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो से, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो से। सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो लगा रहे हैं हम, तो जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहे हैं उन्हें पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर लग रहे हैं उन्हें नेगेटिव। ऊपर की ओर एक तो आर ए लग रहा है, दूसरा आर वी लग रहा है, तो ऊपर की ओर आर ए है प्लस में आर वी है, दोनों को पॉजिटिव। नीचे की ओर डब्ल्यू लग रहा है, नीचे की ओर डब्ल्यू है तो इसको माइनस डब्ल्यू कर दिया, बराबर में जीरो लिखा है बराबर जीरो लिख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है? डब्ल्यू को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? आर ए प्लस आर बी बराबर डब्ल्यू, ये एक इक्वेशन मिल गई। इतना समझ आ रहा है सभी को? क्लियर है, सिंपल बिल्कुल। अब इसके बाद हमें क्या करना है? एक तो इक्वेशन ये मिल गई आपकी। अब संतुलन की हमारी तीन अवस्था होती हैं जिसमें से एफ एक्स वाली यूज नहीं करनी, एफ वाई का हम यूज कर चुके हैं। अब हम सिग्मा एम का यूज करेंगे, सिग्मा एम बराबर जीरो से। सिग्मा एम बराबर जीरो का मतलब किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेके उन सबको जोड़ के जीरो के इक्वल रख देना है। तो मैं यहाँ सपोज ए पॉइंट के अबाउट ले ले रहा हूँ मूवमेंट, सिग्मा एम ए बराबर जीरो। ए पॉइंट ये है, मैं इस साइड से चलना शुरू करूँगा, ठीक है? इस साइड से आपको ध्यान क्या रखना है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको पॉजिटिव लेना है, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको नेगेटिव लेना है। मतलब जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहे हैं उससे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उत्पन्न होगा उससे प्लस लेंगे, जो फोर्स नीचे की ओर है इससे क्लॉकवाइज मूवमेंट उत्पन्न होगा इसको हम माइनस लेंगे, ठीक है? तो अब या तो इस तरह याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस, क्लॉकवाइज को माइनस, या आप ऐसे अपनी सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं कि जब हम किधर से आरएचएस की साइड से चलेंगे तो जो ऊपर की ओर फोर्स है उनके कारण जो मूवमेंट आएगा उसे प्लस, जो नीचे की ओर है उनके कारण जो मूवमेंट आएगा उसे माइनस। सिंपल से सिंपल तरीके से समझते चलिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पर मूवमेंट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या है, आर बी है, आर बी से ए तक की डिस्टेंस यानी बल गुणा दूरी होता है मूवमेंट। तो आर बी ऊपर की ओर है पॉजिटिव रहेगा, आर बी और इनटू में ए तक की डिस्टेंस क्या है, आर बी से ए तक की डिस्टेंस एल है, एल कर दिया। फिर डब्ल्यू नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस में लेंगे डब्ल्यू, और डब्ल्यू से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, डब्ल्यू से आप देख लीजिए खुद, इस डब्ल्यू से और ए तक की डिस्टेंस एल वाई टू है, एल वाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद फिर क्या आपका ए पॉइंट पर आर ए लग रहा है तो ऊपर की ओर है प्लस में आर ए कर दिया, बट इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी है जीरो क्योंकि ए पर ही मूवमेंट ले रहे हैं हम, तो जीरो। इक्वल में क्या लिखना होता है, इक्वल में जीरो लिखते हैं हम। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? एंड यहाँ देखेंगे आप क्या हो गया, एल आर बी हो गया, एल इंटू आर वी माइनस ये हो गया डब्ल्यू एल वाई टू हो गया बराबर, ये तो आर ए इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, इसको इस साइड ले आओ तो एल आर वी बराबर हो गया यहाँ से डब्ल्यू एल बाई टू, इस एल से और ये एल कैंसिल हो जाएगा तो आर बी की वैल्यू क्या आ गई, आर बी इक्वल टू आ गया डब्ल्यू बाई टू। इतना बताइए समझ आ रहा है इतना? यहाँ तक आर बी तक क्लियर हुआ सभी को, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब इस आर वी की वैल्यू को यहाँ पर रख दो आर वी की जगह पर, तो इसे कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको आर ए मिल जाएगा, आर ए बराबर डब्ल्यू माइनस हो जाएगा आर बी इस साइड आएगा तो माइनस में आर बी। इस आर वी की वैल्यू क्या है, आर ए बराबर डब्ल्यू माइनस में आर वी की वैल्यू है डब्ल्यू बाई टू। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक डब्ल्यू में से आधा डब्ल्यू माइनस करेंगे तो माइनस का और प्लस का आधा डब्ल्यू बचेगा आपका, ये ठीक है? या आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ हो गया टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू बचा अपॉन में टू आ जाएगा, या एक डब्ल्यू में से आधा डब्ल्यू माइनस किया तो आधा डब्ल्यू बच गया, जहाँ जैसे समझ लो। यहाँ आर बी की वैल्यू भी डब्ल्यू बाई टू है, आर ए की वैल्यू भी डब्ल्यू बाई टू है, डैट मीन्स रिएक्शन आपकी इक्वल आ गई, इसकी वैल्यू भी डब्ल्यू बाई टू आ रही है एंड इसकी वैल्यू भी डब्ल्यू बाई टू आई है, दोनों रिएक्शन इक्वल आ गई। यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ सभी को?
अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे होल्ड करके थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से आपको रिएक्शन निकालना बताता हूँ। आपके बीटी बोर्ड के एग्जाम में आपको इसी तरह से करके आना है क्वेश्चन, बट इन फ्यूचर अगर जेई वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इतना बड़ा नहीं करना होगा। प्री एग्जाम में कभी पूछ ले तो उस केस में आप डायरेक्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में डायरेक्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं, बट अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए जिससे आपको ये आर ए आर बी की वैल्यू क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और थोड़ा सा बीच में एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा अलग से। इस क्वेश्चन में मत लिखना लेकिन अलग से आप लिख लेना इसको कहीं भी। आप रिएक्शन डायरेक्ट कैसे बताएंगे, जब आप डायरेक्ट रिएक्शन बताएं दोस्तों तो आप लोडिंग कंडीशन देखेंगे। अगर आपका सिमेट्रिक लोड होगा किसी बीम के ऊपर, कैसा लोड, सिमेट्रिक लोड। अब यह सिमेट्रिक लोड क्या होता है, दो तरह से किसी भी बीम पर लोड लगता है, या तो सिमेट्रिक लोड होगा या फिर अनसिमेट्रिक। ये आपके लेवल से थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ मैं, रीज़न क्या है क्योंकि आपको डायरेक्ट रिएक्शन निकालना मैं सिखा सकूँ ताकि आप एग्जाम में भी चेक कर सकें आपकी रिएक्शन सही है गलत। सिमेट्रिक लोडिंग किसे कहते हैं, सिमेट्रिक लोडिंग का मतलब होता है किसी बीम के ऊपर से जो लोड आ रहा है वो दोनों रिएक्शन की साइड से बराबर दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे डब्ल्यू आ रहा है तो इधर से भी एल बाई टू दूरी पर है, इस साइड से भी एल बाई टू दूरी पर है। अगर इक्वल डिस्टेंस से कोई भी लोड लगता है किसी बीम के ऊपर तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक लोड है वो। ठीक है, जब भी किसी बीम पर सिमेट्रिक लोड आएगा तो दोनों रिएक्शन पर लोड की वैल्यू आधी आधी आ जाती है, जितना टोटल लोड होगा उसका हाफ कर देंगे दोनों तरफ। तो टोटल लोड W था, आधा इधर आ गया W बाई टू, आधा इधर आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ये आपका कोई भी बीम है सिंपली सपोर्टेड, इस पर यहाँ पर आपने लगा रखा है 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी एक मीटर की दूरी पर, इधर से भी एक मीटर की दूरी पर, दोनों तरफ से एक एक मीटर की दूरी पर लगा रखा है, टोटल दो मीटर था। ठीक है, डिस्टेंस तो मैंने कहा अब बताओ इसमें रिएक्शन कितनी होगी, तो आप सिंपल डायरेक्ट बोल देंगे जो आर ए की वैल्यू है और आर बी की वैल्यू है दोनों बराबर आएंगी क्योंकि लोड दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पे लग रहा है। 10 लग रहा है ना, तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन आ जाएगी इसकी वैल्यू। सिमेट्रिक लोडिंग की कंडीशन में हमेशा दोनों रिएक्शन पर वैल्यू सेम आती है, आप यहाँ पर इस चीज़ को लिख लीजिएगा। क्या, सिमेट्रिक लोडिंग की कंडीशन में दोनों रिएक्शन की वैल्यू ऑलवेज सेम होती है। क्लियर हुआ, अब एक और मैं बीम बनाता हूँ आपके सामने थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए जैसे मैंने एक और सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी, ये बीम है कोई, ठीक है इस तरह से, और मैंने कहा इधर से 6 न्यूटन का लोड लग रहा है और इधर से भी 6 न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ भी 6 न्यूटन का है, ये इधर से 2 मीटर की दूरी पर, इधर से भी 2 मीटर की दूरी पर, और टोटल मान लिया मैंने 8 मीटर था डिस्टेंस ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये भी 2 मीटर पर है और इधर से ये भी 2 मीटर की दूरी पर लगा है, तो बीच की डिस्टेंस 4 मीटर बचेगी। हमें आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। एक तो तरीका क्या हो गया हमारा, जिस तरीके से हम कर रहे थे कि उसका सेम वैसे ही करेंगे आप, ठीक है ना, उस तरीके से आप रिएक्शन निकालेंगे तब भी आपका आर ए आर बी की वैल्यू वही आएगी जो ऐसे में बता रहा हूँ इससे निकल के आएगी। लोडिंग कंडीशन कैसी है, सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन। अभी एक की जगह दो लोड लगा रखे हैं, अब दो लोड होंगे तो वो दोनों सिमेट्रिक लोड कब कहलाएंगे, जब दोनों लोड भी सेम होने चाहिए और दोनों सपोर्ट से डिस्टेंस भी इसकी समान होनी चाहिए, तब इनको हम कह देंगे सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन है। तो इस केस में क्या होगा, टोटल लोड कितना हो गया ऊपर से 12 हो गया, टोटल 12 आ रहा है तो 12 का आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर, 12 का आधा कितना होता है 6 न्यूटन, 6 तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी और 6 न्यूटन ही आर बी की वैल्यू आ जाएगी। जो मैंने आपको वो तरीका बताया था, जो एनालिटिक मेथड बताया है, उससे भी आप निकालेंगे तब भी आपका आर ए आर बी 6 न्यूटन ही आएगा। मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा। तो एक बार इतना बता दीजिए, सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन में दोनों रिएक्शन बराबर आती हैं, आप समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, लोड अगर दो लगे हैं तो दोनों तरफ से बराबर दूरी पर बराबर मैग्नीट्यूड के लोड होने चाहिए, ठीक है। एक लोड होगा तो वो भी दोनों सपोर्ट से बराबर डिस्टेंस पर लगा होना चाहिए, अगर डिस्टेंस बराबर ना हो तो उस केस में अनसिमेट्रिक लोड होता है। और अनसिमेट्रिक लोड के कंडीशन में रिएक्शन कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, आप समझ गए होंगे सिमेट्रिक लोडिंग। अब अनसिमेट्रिक लोडिंग का मतलब क्या है, ऊपर से कोई लोड लगा हुआ है, जैसे मैंने मान लिया ये कोई बीम है यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब लोड मैंने मान लिया यहाँ लगा दिया, कहाँ, यहाँ लगा रखा है मैंने, और W लोड है ये, क्लियर, W लोड लगा दिया, बट अब डिस्टेंस बराबर नहीं है। मान लिया टोटल डिस्टेंस L थी ये वाली, और इधर से डिस्टेंस कितनी है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक A है, और ये डिस्टेंस कितनी है मान लिया मैंने B है इधर से, और ये A और B इक्वल नहीं है इस बार, अलग अलग दूरी हैं दोनों, और ये मान लिया आर ए रिएक्शन है और ये आर बी रिएक्शन है। अब मैंने कहा अब बताओ आर ए और आर बी की वैल्यू कितनी होगी,
तो हमने जो मेथड सीखा पहले वाला उससे हम इसको भी निकाल सकते हैं, सिंपल है ना। लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर हमें एनालिटिक मेथड से करना हो तो तब कैसे करते हैं हम? तब वही अपना संतुलन की अवस्था लगाते, ऊपर की ओर लगने वाले लोड आर ए प्लस आर वी बराबर नीचे की ओर लगने वाला लोड डब्लू हो जाता, एक इक्वेशन बनाते। फिर दूसरा इक्वेशन आप सिग्मा एम ए बराबर जीरो से करते, एक अबाउट मूवमेंट लेके पूरा सॉल्व करके तब आर ए आर बी निकालते, वही वैल्यू आती जो मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ उससे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड भी आप सीख लेंगे थोड़ा सा, बाकी हम क्वेश्चंस में जो करेंगे वो तो अपना जो एनालिटिक है मेन मेथड उसी तरह से करते चलेंगे, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ें हैं। अब ये लोड कैसा है? ये अनसिमेट्रिक लोड है, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट से इक्वल दूरी पर नहीं लग रहा है, इधर से ए डिस्टेंस, इधर से बी है, ए ज़्यादा है बी कम है। तो इसमें देखिए रिएक्शन कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इसको जरूर लिख लें अपनी नोटबुक में, जरूर लिख लें आप लोग, ठीक है। रिएक्शन का डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आप जब भी आपको, लेकिन ये तभी काम करेगा जब केवल एक लोड लगा होगा। अगर एक से ज़्यादा लोड लगा दिए तो फिर ये वाला रिएक्शन का मेथड फेल हो जाएगा। फिर आपको मेन वही है जो हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, उसी से एनालिटिक मेथड वो मेन है। उसमें एक क्या आप 10 लोड लगा दो, चाहे 5 लोड लगा दो, चाहे जितने लोड लगा दो, आप उससे रिएक्शन आराम से निकाल सकते हैं। बट ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें एक लोड या दो लोड लग रहे हों, ठीक है। तो अनसिमेट्रिक के केस में, ये अनसिमेट्रिक का केस है, इसमें रिएक्शन बराबर क्या होता है? ऊपर लेते हैं हम टोटल लोड, टोटल लोड यानी जितना भी लोड है उसे ले लेंगे ऊपर, नीचे लेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट साइड की डिस्टेंस से। किससे? अपोजिट डिस्टेंस से, अपोजिट डिस्टेंस से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला हो जाता है। हिंदी वाले बच्चे लिखना चाहें लिख सकते हैं, रिएक्शन को हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं। अगर हमें कोई भी प्रतिक्रिया निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? ऊपर लेंगे कुल भार, कुल भार, और नीचे लेंगे कुल दूरी, नीचे कुल दूरी, कुल भार बट्टे कुल दूरी गुणा में या विपरीत साइड की डिस्टेंस, विपरीत दूरी, क्या? विपरीत दूरी, ठीक है। अब मैं अगर इसमें देखूं आर ए क्या आएगा तो आप खुद बता दीजिए आर ए क्या आएगा। मैंने क्या बोला? टोटल लोड, टोटल लोड डब्लू है, अपोन में टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एल है, इंटू में अपोजिट डिस्टेंस, मैं आर ए निकाल रहा हूँ, आर ए तो इसके अपोजिट वाली डिस्टेंस ये है आर, ये वाली बी है डिस्टेंस अपोजिट, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आर ए यहाँ से क्या मिल गया? डब्ल्यू बी बाई एल, ये क्या आ गया? आर ए की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई। ऐसे ही अगर मुझे आर वी निकालना होगा तो टोटल लोड कितना है? डब्ल्यू है टोटल लोड, अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितनी है? एल है, और अपोजिट वाली डिस्टेंस आर वी के अपोजिट ए है, तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आर वी, आर वी निकल के आ जाएगा यहाँ से डब्ल्यू ए बाई एल, ये क्या आ गया? ये आर वी आ गया। बोलिए इतना समझ आ रहा है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? तो आप यहाँ से सिंपली क्या बता सकते हैं? आप रिएक्शन बता सकते हैं अनसिमेट्रिक लोडिंग की कंडीशन में, ठीक है ना। बट ये एडिशनल चीज़ थी आपके क्वेश्चन से, इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आप उस तरीके से करके आना जो आपका मेन आपकी बुक में दिया गया है, क्योंकि उसी पर आपको मार्किंग मिलेगी। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम इन फ्यूचर का भी देंगे तो मैंने उसके लिए बताया है, फिर भी आप लिख लेंगे इसको ना, या फिर आप डायरेक्ट अपना आंसर चेक करना चाहें तब उसके लिए ठीक है ये। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, अब अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। ये मैंने दो तीन बातें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दी हैं, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। चलिए तो अब हम कर क्या चुके, जो मैंने आपको मूवमेंट लेकर के रिएक्शन निकाली थी आपको उसी तरीके से निकालना है। पहले रिएक्शन, हम रिएक्शन निकाल चुके, आर ए की वैल्यू भी डब्ल्यू बाई टू आई थी और आर बी की वैल्यू भी डब्ल्यू बाई टू आई थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या रहता है हमारा? दूसरा पॉइंट रहता है कैलकुलेशन। दूसरा हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, यानी अब हम शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे, सेम मेथड से करेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप ब्रैकेट में लिख दें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने का मतलब कि आप इस तरह लिख देंगे हम किस साइड से चल करके निकाल रहे हैं। मैं फ्रॉम आरएचएस, मैं आरएचएस की साइड से चल के निकालूंगा। आरएचएस मतलब हम राइट हैंड साइड से, इधर से चलेंगे इधर लेफ्ट की तरफ, आरएचएस से चल रहे हैं, ठीक है ना, इस साइड से। जब आप आरएचएस से चलेंगे तो ऊपर की ओर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और नीचे की ओर वाले फोर्स को नेगेटिव लेंगे। इस तरह से आप जरूर लिख के आए एग्जाम में, तो उससे एग्जामिनर को ये एहसास हो जाएगा कि इस बच्चे को बहुत कुछ आता है, ठीक है, ऐसा जरूर लिख दें आप। अब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? टिल पॉइंट बी से शुरुआत करनी है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या? शियर फोर्स, शियर फोर्स टिल पॉइंट, टिल पॉइंट बी, ठीक है, शियर फोर्स टिल पॉइंट बी। टिल पॉइंट बी का मतलब इस साइड से बी पॉइंट तक कोई लोड नहीं है, सीधे जीरो से शुरुआत करनी है, ठीक है, जीरो। इसके बाद आएंगे आप शियर फोर्स एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी का मतलब बी पॉइंट पर शियर फोर्स, बी पॉइंट ये है, इस पर शियर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है आर बी, ऊपर की ओर है तो मैंने क्या बोला? ऊपर की ओर प्लस लेंगे,
तो ऊपर की ओर आर भी लग रहा, मतलब आर भी आ गया प्लस का। आर वी की वैल्यू कितनी थी हमारी, डब्ल्यू बाई टू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डब्ल्यू बाई टू। इतना क्लियर हुआ सभी को। बी के बाद अब क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो बी से अब सी तक लेंगे, सी तक। तो शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, क्या लिखेंगे, टिल पॉइंट सी, टिल मतलब होता तक। अब देखिए बी से सी तक कोई लोड नहीं आ रहा, बी से सी तक, तो सेम यही रहेगा पीछे वाला लोड जो डब्ल्यू बाई टू है, सेम यही रहेगा डब्ल्यू बाई टू, ठीक है। अब टिल के बाद फिर एट पॉइंट सी लिखेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट सी, बस टिल और एट निकालते जाएंगे, एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पर कितना लोड आ रहा है, नीचे की ओर डब्ल्यू आ रहा है, तो पीछे तो कितना था, सी तक तो था डब्ल्यू बाई टू। अब सी पर नीचे की ओर आ रहा है डब्ल्यू, तो माइनस में लेंगे, नीचे की ओर वाले को कैसे लेते हैं, नेगेटिव, तो माइनस में ले लेंगे डब्ल्यू। जब आप डब्ल्यू बाई टू में से माइनस का डब्ल्यू माइनस करेंगे, तो माइनस का बचेगा डब्ल्यू बाई टू, आप माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। सी तक हो गया, अब सी से कहाँ तक आएंगे, अब सी से ए तक, ए तक कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, टिल पॉइंट ए, टिल पॉइंट ए तक सेम यही रहेगा जो सी पर है, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं आ रहा, मतलब सेम माइनस का डब्ल्यू बाई टू ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो माइनस का डब्ल्यू बाई टू, और ए पॉइंट पर ऊपर की ओर आर ए लग रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है, तो प्लस में लेंगे आर ए, माइनस का डब्ल्यू बाई टू, प्लस में आर ए की वैल्यू भी डब्ल्यू बाई टू है, तो डब्ल्यू बाई टू लिख दिया, डब्ल्यू बाई टू और डब्ल्यू बाई टू कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया, जीरो, बराबर क्या आ गया दोस्तों, जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बराबर जीरो, यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ, तो आपको जीरो से चल के जीरो पर ही एंड करना है, अगर ऐसा हो पाता है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज कहीं मिस्टेक किया आपने, ठीक है। इसका एस एफ डी खींच देते हैं, एस एफ डी खींचने का सेम वही रूल है, पॉइंट लोड आएगा तो आप कॉन्स्टेंट चलेंगे, यानी एस एफ डी आपका आयताकार बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, और बी एम डी ट्रेंगुलर बनेगा, और यू डी एल आएगा तो जो आपका एस एफ डी है वो ट्रेंगुलर बनेगा, और बी एम डी आपका पैराबोलिक बनेगा, और अगर यू बी एल आएगा तो एस एफ डी बनेगा आपका स्क्वायर पैराबोलिक, और बी एम डी बनेगा क्यूबिक पैराबोलिक, ठीक है। वही सेम मेथड है, कॉमन रूल बिल्कुल सेम रहेंगे हर जगह, कोई कैसा भी बदलाव नहीं आएगा। चलिए इसका डायग्राम खींच लेते हैं एक बारी, यहाँ से आगे बढ़ा देंगे इस तरह डेड डेस्क करके, आप यूँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसलिए हम हर एक स्टैंडर्ड फॉर्म को भी करते चलेंगे साथ साथ। चलिए बनाते हैं डायग्राम, देखिए सबसे पहले हमने लाइन खींच ली, ठीक है, बीम के वही चीज़ें सेम, दो लाइन खींचनी है आपको, एक तो ये एस एफ डी के लिए, दूसरी बी एम डी के लिए। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था, क्या हम एस एफ डी को ही ऊपर बनाएंगे, बी एम डी नहीं बना सकते ऊपर? आप बी एम डी ऊपर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान के रखना आपको हमेशा पहले एस एफ डी बनेगा, और जब पहले एस एफ डी बनेगा तो एस एफ डी ऊपर ही बन जाएगा। इसका रीज़न क्या है मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा, यहीं पर देखते रहेंगे आप ऊपर क्यों बनाते हैं हम एस एफ डी को ही, ठीक है, रीज़न बताएंगे आपको अभी। एस एफ डी को ऊपर बनाने का रीज़न आपको खुद समझ में आ जाएगा, देखते रहिए अभी। तो यहाँ पर पहला कितना है, पहले बी पॉइंट पर जीरो है, फिर बी पॉइंट पर कितना, डब्ल्यू बाई टू, मान लिया ऊपर यहाँ तक आ रहा है डब्ल्यू बाई टू, ठीक है, यहाँ तक कितना आ रहा है डब्ल्यू बाई टू, ये रिएक्शन हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ तक आ रहा है डब्ल्यू बाई टू, यहाँ तक क्लियर हुआ। ऐसे ही हम चलेंगे कि इस पर सी पॉइंट पे पहले डब्ल्यू बाई टू है, फिर माइनस का डब्ल्यू बाई टू है, तो यहाँ से इसके सीध में यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका डब्ल्यू बाई टू, और इसी पे नीचे आ रहा है माइनस का डब्ल्यू, जितना ऊपर चले उतने नीचे चलेंगे आप माइनस का, इसलिए इस लाइन से नीचे माइनस का डब्ल्यू बाई टू, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद ए पॉइंट पे देखेंगे, ए पॉइंट पे पहले माइनस का डब्ल्यू बाई टू है, फिर जीरो है, तो ए पॉइंट ये है, इसको नीचे बढ़ा लो, इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ पर कितना माइनस का डब्ल्यू बाई टू, और फिर कितना हो गया जीरो। अब इन सब पॉइंट को मिला दो, पहले हम जीरो से इस पे गए, ठीक, फिर यहाँ से इस पे आ गए, फिर यहाँ से नीचे यहाँ पर आ गए, इस पॉइंट से इसको मिला दिया, इस पॉइंट से इसको मिला दिया, क्या बन गया आपका, ये आपका एस एफ डी बन गया, ये पॉजिटिव ऊपर वाला लाइन से ऊपर पॉजिटिव, लाइन से नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये एस एफ डी बन गया, शियर फोर्स डायग्राम बन गया एस एफ डी। ये सभी को क्लियर हुआ एस एफ डी कैसे बना है? अच्छा, कुछ बुकों में हो सकता है ये उल्टा डायग्राम दे रखा हो, या फिर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ भी हो सकता है, कुछ वेबसाइट पर लोगों ने उल्टा बना रखा डायग्राम को, तो वो डायग्राम भी गलत नहीं माना जाएगा, बिकॉज रीजन क्या रहेगा, उन्होंने क्या किया होगा, जो ऊपर की ओर फोर्स है उनको माइनस लिया होगा, और जो नीचे की ओर फोर्स है उन्हें प्लस लिया होगा, साइन कन्वर्जन उल्टा लेने से डायग्राम उल्टा बन जाएगा, उल्टा मतलब ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, तब भी आपका गलत नहीं होगा। बट आप इस तरीके से करेंगे, ये बिल्कुल सही तरीका है एकदम, ठीक है, एक्यूरेट मेथड है, आपकी बुक में सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आप इससे करेंगे, जब मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरे तरीके से करिएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, फिर आप चार जगह भागेंगे तो हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो जाए, ठीक है। मैं आपको कोई भी कैसी भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, हर डाउट आपका क्लियर करेंगे, फिर भी कैसे बड़ा डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, क्लियर। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शियर फोर्स डायग्राम आपका बन चुका है।
अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, तो इसको रफ कर दें, चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं इसका बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपका, धीरे धीरे सीखते रहिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब आगे लिखेंगे हम दो चीज़ कर चुके, तीसरा लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, कैलकुलेशन फॉर या तो बीएमडी लिख दीजिएगा या केवल बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। अब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, हिंदी में कह सकते हैं आप नमन आघूर्ण के लिए गणना। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, आप इधर से चल रहे हैं इस साइड से ऐसे, तो जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है उसके कारण प्लस का ही मूवमेंट आएगा, ऊपर की ओर वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा बीम को, ऐसे से मतलब क्या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेना है, और जो नीचे की ओर फोर्स आ रहा है वो नीचे की ओर वाला फोर्स कैसे घुमाएगा इसको, नीचे को लग रहा है तो ये ऐसे करके देखो, जैसे ये फोर्स लग रहा है ये ऐसे घुमाएगा इसको, ऐसे ऐसे का मतलब नीचे से इस तरह घुमाएगा इसको, ठीक है ऐसे। इसको कहेंगे हम क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कैसे लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है इस चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो सैगिंग बनेगा वो पॉजिटिव, हॉगिंग बनेगा नेगेटिव, तो सैगिंग हॉगिंग आपको कन्फ्यूज करेगा। सिंपल आप क्या याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, हम इस साइड से चल रहे हैं जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, मैं ए पे मूवमेंट ले रहा हूँ सपोज, तो इसको ऐसे तो घुमाएगा, ए पॉइंट यहाँ पर है, ए मूवमेंट अब वन लग रहा है यहाँ पर, तो इसको ऐसे रोटेट कराएगा ऐसे, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई घूमती है इस तरह से, घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस लेंगे क्योंकि ऊपर की ओर वाला फोर्स हम प्लस लेते हैं। या अगर मैं, हालांकि मेन तो यही होता है कि एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे और क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे। इसके अलावा आपको कोई कैसी भी कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, आप सिंपल तरीका क्या है, ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उससे प्लस लेना, जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है उसको माइनस लेना, उनके मूवमेंट भी सेम यही रहेंगे, ऊपर की ओर फोर्स वाले फोर्स के कारण जो मूवमेंट होगा उसको प्लस, जो नीचे की ओर फोर्स के कारण मूवमेंट होगा उसको माइनस लेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे, तो पॉइंट बी से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, तो यहाँ लिख देंगे क्या, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। बेटा बी पॉइंट पर मूवमेंट कितना आएगा, बी पर फोर्स लग रहा है आर बी, लेकिन दूरी है जीरो, बी पॉइंट पे ले रहे हैं तो हमें बी से आगे बढ़ना ही नहीं है, आर बी इंटू जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया, ऐसे ही फिर आएंगे सी पॉइंट पर, यहाँ पर टिल वगैरह नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे कितना आएगा मूवमेंट, सी पॉइंट तक देखिए, एक तो ये वाला है और एक सी पे खुद डब्लू लग रहा है, तो आर बी लग रहा है ऊपर की ओर है प्लस में लेंगे, तो आर बी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, आर बी की वैल्यू हमारी डब्ल्यू बाई टू आई थी, तो आर बी की वैल्यू डब्ल्यू बाई टू इंटू में सी तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू, ये एल बाई टू है, डिस्टेंस है एल बाई टू, यहाँ तक समझ आया। एंड नीचे की ओर सी पॉइंट पर डब्ल्यू लग रहा है तो माइनस का डब्ल्यू, लेकिन दूरी इसकी जीरो है, जब डिस्टेंस जीरो है तो इनका गुणा करो, डब्ल्यू ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई डब्ल्यू एल हो गया, नीचे दो दूनी चार हो गया, ठीक है। अब सी के बाद आ जाओ ए पॉइंट पर, तो यहाँ लिखेंगे बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए कितना है, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं आप, आर वी इंटू ए तक की दूरी एल है, आर वी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, W बाई टू है, डिस्टेंस ए तक की L हो गई, फिर नीचे की ओर C पॉइंट पर W लग रहा है तो माइनस का W, और A तक की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है L बाई टू, L बाई टू हो गई, फिर प्लस में ऊपर की ओर आर ए है तो आर ए, लेकिन डिस्टेंस कितनी है इसकी जीरो है, ठीक है। अब खुद देख लीजिए क्या आ गया, ये आपका ये डब्ल्यू एल बाई टू, ये भी डब्ल्यू एल बाई टू, यानी ये भी आपका डब्ल्यू एल बाई टू है माइनस ये भी डब्ल्यू एल बाई टू है, और ये तो कट गया जीरो, मतलब आर ए का जीरो में मल्टीप्लाई जीरो हो गया, ये भी आपका एक जैसा कैंसिल होकर क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, दो पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले डायग्राम बना दें इसका, एक बारी इसका डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है, एक बार देख लें कहाँ तक दिख रहा है ये, यस यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है यहाँ तक दिख रहा है, मैंने यहाँ एक लाइन खींच दी, ठीक, थोड़ा सीधा खींच लेते हैं इसको, अच्छा बनना चाहिए डायग्राम, आप सही से बनाइएगा ना, यस ये, चलिए तो आपने क्या देखा, ए पॉइंट पे मूवमेंट जीरो, बी पॉइंट पे मूवमेंट जीरो, और सी पॉइंट पर डब्ल्यू एल वाई फोर, यहाँ पर कितना है डब्ल्यू प्लस का, तो ऊपर लेंगे सी पॉइंट, ये हमने यहाँ मान लिया यहाँ है कितना डब्ल्यू एल वाई फोर है यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। अब कैसे मिलाएंगे आप, आपको पता है पॉइंट लोड में बी एम डी आपका त्रिभुजाकार बनता है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये मिल गया आपका एक, और इससे फिर इसको मिला दीजिए, इसको तो क्या बन गया, प्लस का बन गया ऊपर की ओर, त्रिभुज बन गया ये, तो ये हो गया आपका बी एम डी, ये क्या हो गया बी एम डी। इतना बताइए क्लियर हुआ ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो क्या याद रखना है, इनका यूज होगा दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कि
इसमें जब किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम पर मध्य बिंदु पर W पॉइंट लोड आता है तो शियर फोर्स की वैल्यू तो W बाई टू होती है, लिख लीजिएगा आप। मैक्सिमम शियर फोर्स तो कितना आता है, W बाई टू आता है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट को तो जरूर रट लीजिएगा अच्छे से आप, डब्ल्यू एल बाई फोर आता है। इसको याद कर लेंगे एज ए फॉर्मूला, जब आप बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका यूज होगा, इसका यूज होगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। जब किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड पॉइंट पर पॉइंट लोड W लगा हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल बाई फोर होता है, इतना याद कर लेंगे देख। ठीक है, अब इसके बाद दो पॉइंट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, या तो आप ओरली में बोल दे रहा हूँ लिख लीजिए, या फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप उससे देखेंगे। आपने यहाँ पर ध्यान दिया थोड़ा सा, क्या ध्यान दिया कि इसके बीम के दोनों ही सिरे पर मूवमेंट की वैल्यू कैसी आ रही है, जीरो आ रही है, इस पे भी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम होगी तो सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों ही सिरे पर ऑलवेज टाइम बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा। मैंने क्या बोला, चाहे लोड कैसा भी लग रहा हो, पॉइंट लोड हो या UDL हो या UBL, चाहे जैसा आप लोड लगा देना, सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरों पर ऑलवेज टाइम बेंडिंग मोमेंट जीरो ही आता है हमेशा। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे RA और RB हर जगह आपका जीरो आएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं इसको कैलकुलेशन को रफ कर रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं यहाँ से दो पॉइंट आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, दोनों पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए अब पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो आपको बोला है यही आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट तो क्या हो गया आपका, इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट बराबर जीरो, दोनों सिरों पर हमेशा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट सुन लीजिए, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कि यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, ये जिस पे क्या हो रहा है, जिस SFD का डायग्राम का साइन चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्लस था ये, और इस पॉइंट पे मैं नाम दे रहा हूँ, सपोज ये सी था ना, सी के नीचे मैंने इसको सी डैश कह दिया, आपको दिख रहा है सी डैश पर क्या हो रहा है, ये डायग्राम प्लस से माइनस में बदल रहा है, क्या हो रहा है, प्लस से माइनस में बदल रहा है। तो जिस पॉइंट पर इसने डायग्राम चेंज किया उसी पॉइंट पर आप देखेंगे उसी के सीध में बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ कह देंगे जिस पॉइंट पर SFD अपना साइन चेंज करता है, साइन मतलब दोस्तों चिन्ह होता है, साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मैक्सिमम, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। ठीक है, अब जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों वो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं बहुत इजीली। आप कह सकते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट एट द बोथ एंड्स ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम इज इक्वल टू जीरो। दूसरा कह सकते हैं आप क्या, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, यानी जिस पर क्या होता है SFD अपना साइन चेंज करता है। क्लियर, लिख लेंगे आप इस तरह से, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, मैं जितना इंग्लिश आता हमने बता दिया आपको, आप खुद से लिख लेंगे बाकी। तो ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर इसलिए लिया था क्योंकि स्टार्टिंग था, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी था। मैंने रिएक्शन के दो तीन कॉन्सेप्ट आपको बताए, एक तो आपका मेन तरीका हो गया इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मान के निकालना है, आपको निकालना ही निकालना है। इसके अलावा दो पॉइंट एडिशनल बता दिए, सिमेट्रिक लोडिंग के कंडीशन में दोनों सिरों पर आधा आधा बेंडिंग मतलब लोड आ जाएगा, जितना टोटल लोड बीम पर आता है उसका हाफ हाफ आ जाएगा दोनों तरफ। अनसिमेट्रिक के केस में आप क्या करेंगे, टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस इनटू में अपोजिट डिस्टेंस कर देंगे, वहां से निकल आएगी रिएक्शन की वैल्यू। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया नोट में लिखने के लिए, मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू डब्ल्यू बाई टू रहेगी जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर मिड पॉइंट पर डब्ल्यू लोड आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल बाई फोर होगा। ये सब लिखने हैं आपको, आगे यूज होंगे फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है ना, थर्ड चैप्टर जब आप बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे वहाँ पर इनका यूज आएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरों पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो रहता है, और जिस पॉइंट पर SFD अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है। ये सब बातें आपके जानने योग्य थी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म UDL वाली और करा देता हूँ, फिर हम इसके मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप चाहे जितनी स्पीड से करना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपके आराम से होते रहेंगे। तो इसको रफ करते हैं और मूव करते हैं अपने अगले टाइप पर। ठीक है, हटाते हैं इसको।
हेडिंग लिख लेंगे सभी लोग, SFD एंड BMD लिख देते हैं, SFD एंड BMD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL, UDL मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL, और किस कितनी लंबाई पर लगा है, एट टोटल लेंथ, टोटल लेंथ पर लगा हुआ है, एट टोटल लेंथ, ठीक है। इस हेडिंग को आप लोग लिख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे जो भी हैं उन्हें मैं बोल दे रहा हूँ, हिंदी में क्या होगा, ये हिंदी में होगा आपका यानी शुद्ध आलंबित धरण या फिर सरल धरण के लिए SFD तथा BMD जिसकी संपूर्ण लंबाई पर संवितरित भार लगा है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, शुद्ध आलंबित धरण के लिए SFD तथा BMD जिसकी संपूर्ण लंबाई पर संवितरित भार लगा है, ठीक है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, पहले हम बीम का डायग्राम बना लेते हैं। ये है कोई बीम, ठीक, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हमने बना दी यहाँ पर, ये क्या है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जो दोनों सिरों पर ए पर और बी पर सिंपल सपोर्ट पर टिकी हुई है। इसके बाद इस पर UDL लगा हुआ है, क्या UDL लगा दीजिए, UDL, ये हमने UDL लगा दिया। लोड की इंटेंसिटी कितनी है, स्मॉल W लगा दिया हमने, सपोज न्यूटन पर मीटर में है, आप किलो न्यूटन पर मीटर में भी दिखा सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मान लिया आपने L है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, L है, इतना समझ आ रहा है, यस। अब चलिए अब आगे देखते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। यहाँ भी आपका क्या है, ये सिमेट्रिक लोडिंग है, सिमेट्रिक मतलब पूरी बीम पे एक समान रूप से लोड लग रहा है। सिमेट्रिक लोडिंग में क्या होता है, दोनों रिएक्शन पर आधी आधी वैल्यू आती है। अगर ये रिएक्शन RA है और ये रिएक्शन RB है तो RA और RB की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल लोड का आधा। टोटल लोड आपका कितना होगा, ये टोटल लोड होगा जितना भी यहाँ पर लोड लग रहा है, इसमें हमेशा UDL में लंबाई से गुणा जरूर करते हैं। W लोड है, लेंथ कितनी है, L है, तो टोटल लोड आपको बताया भी था, UDL के केस में जो टोटल लोड आता है हमारा कितना आता है, W इंटू L आता है, कितना आता है, W इंटू L, समझ पा रहे हैं ना, लेंथ से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब ये WL आ रहा है टोटल, तो RA RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आधा, WL/2, और RB कितना आ जाएगा, ये भी आपका WL/2 ही आएगा, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया, मैंने बता रखा है सिमेट्रिक लोडिंग में हमेशा आधा आधा जाता है दोनों रिएक्शन के ऊपर लोड, बट हमें करना कैसे है, अपने कन्वेंशनल तरीके से करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मैं इसको हटा रहा हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रिएक्शन, पहली चीज़ क्या लिखेंगे, रिएक्शंस हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रियाएं, ठीक है। दो रिएक्शन है, एक RA है और एक RB है, कैसे निकालते हैं आप लिख लीजिएगा हिंदी में, संतुलन की अवस्था में, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मैं, क्या, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, ऊपर की ओर दो फोर्स लग रहे हैं आपके, यानी हम यहाँ पहले लिख देंगे σFy=0 से, सेम प्रोसेस से आपको चलना है, σFy=0 से का मतलब क्या हो गया, ऊपर की ओर आपका RA RB लग रहा है, तो इनको प्लस में लेंगे आप, RA + RB, और नीचे की ओर लग रहा है आपका टोटल लोड कितना होगा, UDL में हमेशा टोटल लेंथ से गुणा जरूर करना है, तो W × L हो जाएगा, कितना, W × L बराबर क्या, 0, WL को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ से क्या आ गया, RA + RB = WL, इतना क्लियर, एक इक्वेशन। इसके बाद दूसरी हमारी संतुलन की अवस्था क्या होती है, दूसरी होती है हमारी यहाँ पर σMA = 0, σMA = 0 से, अब σMA = 0 का मतलब क्या, ए पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे और आप 0 के बराबर कर देंगे इन सबको जोड़ करके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा RB ऊपर की ओर है प्लस में लेंगे, इनटू में ए तक की डिस्टेंस, RB से ए तक की डिस्टेंस L है, L ले लिया, फिर नीचे की ओर आपका UDL लग रहा है, तो नीचे की ओर है UDL कितना, माइनस में लेंगे नीचे की ओर, W × L, ये तो टोटल लोड हो गया, बट UDL हमेशा सेंटर पर कार्य करता है, आपको बताया था, तो जितनी भी लंबाई तक UDL लगता है उसकी आधी दूरी हम क्या करते हैं, लेते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है, तो L का हाफ ले लेंगे, L/2, समझ आ रहा है ये चीज़, फिर से रिपीट करते हैं, RV into A तक की दूरी L हो गया।
फिर माइनस में टोटल लोड यूडीएल डब्ल्यू एल होता है इंटू, जब दूरी लेंगे दूरी हमेशा आधी लेते हैं तो एल का हाफ कर दिया एल बाई टू। इसके बाद आ गया ए पॉइंट पर, तो ऊपर की ओर है ए पॉइंट, ये आर ए रिएक्शन है ऊपर की ओर, डिस्टेंस इसकी जीरो होगी, बराबर जीरो कर दिया। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका एल इंटू आर वी, माइनस में कितना हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू बराबर जीरो। यहाँ तक समझ आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। इसके बाद क्या होगा एल इंटू आर वी, एल इंटू आर वी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ये एल से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ गया आर वी की वैल्यू, आर वी बराबर आ गया हमारा डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, ये स्मॉल डब्ल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू आर वी। इस आर वी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, किस में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपका आर ए क्या मिल जाएगा, आर ए बराबर हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू एल है और माइनस में आएगा इस साइड को आकर के आर वी, माइनस में आर वी, और आर वी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो क्या आ जाएगा आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस आर वी की वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू। इस डब्ल्यू एल में से डब्ल्यू एल बाई टू माइनस करेंगे कितना आएगा, ये डब्ल्यू एल बाई टू आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू। आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू दोनों इक्वल आ गए। मैंने यही कहा था सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन है, टोटल लोड डब्ल्यू एल होगा तो आधा आ जाएगा इधर डब्ल्यू एल बाई टू, आधा इधर डब्ल्यू एल बाई टू, वही आ रहा है सेम, बट आपको एग्जाम में इस तरह से निकाल के आना है। बताइए रिएक्शन सभी को क्लियर हुआ? अब इसके बाद आगे मूव करते हैं, रिएक्शन को मैं रफ करने जा रहा हूँ और हम वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, रिएक्शन की जो वैल्यू आई है हम कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स करते हैं, ठीक है, हटा दें इसे, आप लिख लीजिए प्लीज़ करके साथ में। चलिए यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू लिख देते हैं, आर ए और आर बी जो है आपका डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे आराम से, फिलहाल मैं यह लिख देता हूँ। आर ए की वैल्यू और आर बी की वैल्यू सेम है दोनों, कितना है डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, ये रिएक्शन निकाल ली। अब क्या लिखेंगे आगे, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, मतलब कर्तन बल के लिए गणना। शियर फोर्स हम कहाँ से शुरू करेंगे, बी पॉइंट से, इस साइड से, हम आर एच एस से चलेंगे, तो आप ब्रैकेट में जरूर लिखें प्लीज, क्या लिखेंगे आप फ्रॉम आर एच एस, आप राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो ऊपर की ओर वाले फोर्स कैसे लेंगे आप, प्लस के लेंगे, और जो नीचे की ओर फोर्स होंगे उन्हें माइनस में लेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। चलिए शुरू करते हैं, पहले लिखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, एस एफ मतलब शियर फोर्स और टिल पॉइंट बी, बेटा बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना आएगा, शियर फोर्स बी पॉइंट पर बता दीजिए जीरो आएगा इस साइड से बी पॉइंट तक, यानी टिल मतलब तक। इसके बाद एट पॉइंट बी लिखेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बट टिल और एट निकालते रहिएगा आप, टिल मतलब हो गया यहाँ से बी तक, फिर बी पर, बी पर ऊपर की ओर आर बी आ रहा है तो आर बी हो गया ऊपर की ओर, आर बी की वैल्यू अभी निकाली आपने डब्ल्यू एल वाई टू, तो डब्ल्यू एल वाई टू आ गया, ये इतना बताइए क्लियर हुआ। इस बी के बाद अब आपका बीच में कोई पॉइंट नहीं, सीधा ए पॉइंट है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप एक बीच में क्या करेंगे, जब कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो कहीं पे भी आप सेक्शन काट के खुद से आप निकाल के दिखा भी सकते हैं, बाकी नहीं दिखाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ए पर निकाल दीजिए, तब भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा आपका, सही आएगा, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट ए पर चलता हूँ, देख देते हैं यहाँ पर हम क्या, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, टिल पॉइंट ए, अब ए तक देखिए, पीछे बी पर तो आ गया था आपका कितना डब्ल्यू एल बाई टू, ए पर ए तक देखिए, यहाँ से बी से ए तक यू डी एल आ रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस में लेंगे, और यू डी एल की वैल्यू कितनी है, टोटल लोड लेते हैं यू डी एल के केस में डब्ल्यू एल, हमेशा यहाँ पर फोर्स है तो हम केवल फोर्स की वैल्यू लेंगे कितनी डब्ल्यू एल, यहाँ आधी दूरी से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि आधी दूरी से गुणा तभी करते हैं जब हम मूवमेंट लेते हैं, ये फोर्स ले रहे हैं तो केवल टोटल लोड की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी डब्ल्यू एल बाई टू में से माइनस का डब्ल्यू एल माइनस के, तो माइनस में बचेगा आपका डब्ल्यू एल बाई टू, इतना समझ आया। इसके बाद एट पॉइंट ए निकालेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, जब आप एट पॉइंट ए निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तक तो आ गया आपका माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू, अब एट पॉइंट ए मतलब ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कितना लग रहा है ऊपर की ओर आर ए लग रहा है, तो प्लस में ले लेंगे इसको आर ए को, ऊपर की ओर है इसलिए, ठीक है, ऊपर की ओर वाले को प्लस लेते हैं तो माइनस का डब्ल्यू एल अपॉन टू, और प्लस में आर ए की वैल्यू भी डब्ल्यू एल वाई टू है, डब्ल्यू एल वाई टू ये कट गया कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया जीरो,
हालांकि आप एग्जाम में इस तरह काट के मत दिखाइएगा, आप डायरेक्ट जीरो लिख दीजिएगा एक पल में। काटने पर क्या होता है, कई बार अक्षर आपका ज़्यादा कट जाता है, पता नहीं चलता फिर क्या लिखा था यहाँ। ठीक है, तो काटने से पहले सावधानी रखें थोड़ा सा। चलिए इतना हो गया, अब इसके बाद ये हो गया शियर फोर्स की कैलकुलेशन, डायग्राम बना लेते हैं। आप एस एफ डी का डायग्राम बना दीजिए, यहाँ हमने लाइन खींच दी है, ठीक है, समांतर रेखा। इसके बाद पहले जीरो था बी पर, उसके बाद डब्ल्यू एल बाई टू प्लस का, तो ऊपर ले जाएंगे, मान लो यहाँ पर आ रहा है, ये रिएक्शन ऊपर दिखा देते हैं, यहाँ पर आ रहा है कितना डब्ल्यू एल बाई टू, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद ए पॉइंट पर आ जाओ, पहले ए पर माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू है, तो जितना ऊपर चले हैं उतना ही आपको सेम नीचे आना है, उतना ही नीचे आना है। सपोज आप यहाँ तक चले थे, इतना आगे नीचे कितना माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। इसके बाद ऊपर जीरो है, मिलाना कैसे है, पहले जीरो से इसको मिलाइए, फिर इसको इससे मिला दीजिए। तो पहले जीरो से इस पर आ गए आप यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ इतना क्लियर हुआ। इसके बाद इससे हमें इसको मिलाना है, तो इससे इसको मिला दीजिए इस तरह से, इनको मिलाएंगे, फिर इससे इसको मिला देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका ट्रायंगल बन गया। और यही हमने पढ़ा था, यही हमने पढ़ा था क्या, कि जब भी किसी भी बीम पर यूडीएल लगा होगा तो उसका एसएफडी बनेगा त्रिभुजाकार, बीएमडी बनेगा पैराबोलिक, ठीक है, इतना आपको पता है। तो ये एसएफडी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैलकुलेशन का, मैं आपको बीएमडी की कैलकुलेशन कर देता हूँ, इसको इधर लिख देते हैं। चलिए अब लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में क्या करेंगे, वही चीज़ जो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर फोर्स लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, उसको प्लस लेंगे, और जो नीचे की ओर लगेगा उसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, उसे कैसे लेंगे हम, माइनस लेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। आप ऐसे बना दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे तो घुमा रहा है इसको, ऐसे मतलब ऊपर से ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। आप अगर ऐसे ना समझ पा रहे हैं तो आपका लोड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे समझिएगा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो वो ऐसे घुमाएगा ऐसे, इस तरह से, मतलब तो ये हुआ आपका क्लॉकवाइज है, नीचे की ओर जो लोड लग रहा है ऐसे वो ऐसे घुमा देगा, और जो ऊपर की ओर लग रहा है वैसे घुमाएगा, मतलब ये माइनस का लिया जाएगा। ये आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, बना सकते हैं, आपको बनाने से थोड़ा ये रहेगा, एग्जामिनर को पता रहेगा कि बच्चे को बहुत कुछ आता है। अगर आप नहीं भी बना पा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे याद रखिएगा ऊपर की ओर लोड जो आएगा उसका मोमेंट प्लस में, नीचे ऊपर वाले का माइनस में। दो ही पॉइंट है आपके सामने यहाँ, बी और ए, पहले बी और ए पे निकाल लो, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और बताएंगे नहीं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, पहले बी से शुरुआत करेंगे, एट पॉइंट बी, बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, आर बी इंटू बी तक की दूरी जीरो है, तो आर बी इंटू में जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है। इसके बाद ए पॉइंट है आपका, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, जब ए पॉइंट पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो आर वी इंटू ए तक की दूरी, ऊपर की ओर लग रहा है ना ये, तो ऊपर की ओर है प्लस में लेंगे आर वी, और इंटू में ए तक की दूरी कितनी है दोस्तों, एल है, तो यहाँ एल ले लिया, ठीक। इसके बाद नीचे की ओर लग रहा है यू डी एल, तो नीचे की ओर है तो माइनस में लेंगे, यू डी एल कितना है डब्ल्यू इंटू एल, टोटल लोड तो है डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल, ठीक है। बट आपको अभी बताया था जब भी मूवमेंट लेते हैं तो यू डी एल के केस में दूरी हमेशा आधी लेंगे, एल लंबाई तक लगाए हमें जाना किस पे, ए पॉइंट पे, तो यहाँ से ए तक की दूरी सेंटर पे लगता है ना, सेंटर से ए तक की दूरी सेंटर से, ये एल बाई टू हो जाएगा, यहाँ तक समझ आया। इसको देख लीजिए, आर बी की वैल्यू कितनी थी, डब्ल्यू एल बाई टू थी, और इंटू में ये एल है, माइनस ये कितना हो गया डब्ल्यू और एल, एल का मल्टीप्लाई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू हो गया, ये भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू है, ये भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू है, बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, बराबर बराबर क्या आ गया यहाँ से, जीरो। इतना सभी को समझ आ रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बी पॉइंट पे भी मूवमेंट जीरो है, ए पॉइंट पे भी मूवमेंट जीरो है। और आप सबको मैंने जस्ट अभी लिखवाया भी था, क्या लिखवाया था मैंने आपको, कि जिस पॉइंट पर, एक तो ये बताया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरे पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो इस सिरे पे भी जीरो आ गया, इस सिरे पे भी जीरो आ गया, पहली बात तो हमारी सही हो गई। अब दूसरी बात हमने क्या बताई थी, कि जिस पॉइंट पर एस एफ डी अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अब हमें यहाँ पर साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं कुछ भी, सपोज ये पॉइंट मैंने कुछ भी कह दिया, सपोज ये सी डैश है, यहाँ पर क्या सी डैश, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर हो गया, ऐसे मिला दिया आपने, सपोज मान लिया सी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या सी पॉइंट है जिस पे शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है, तो हम इस पॉइंट पे और निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला, हमने ये तो पता कर लिया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरे पर बेंडिंग मोमेंट जीरो आता है, दोनों पर जीरो आ गया, हमारी बात सही हो गई। दूसरा मैंने कहा था कि जिस पॉइंट पर एस एफ डी अपना साइन चेंज करता है, ये क्या, ये एस एफ डी है,
जिस पॉइंट पर SFD अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है, और हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ही पता करना है। तो हम इस पॉइंट पर मोमेंट और लेंगे, किस पर, सी डैश पर, यहाँ आप देखें तो सी डैश पर। अब हमें नहीं पता ये पॉइंट इधर से कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस दूरी को मान लेंगे एक्स। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आपका टिपिकल पार्ट लगता है बच्चों को, ये बाकी होता नहीं है टिपिकल। तो यहाँ से हमने क्या मान लिया, ये दूरी कितनी है, ये एक्स है, हमने एक्स दूरी मान ली कि ये बी सिरे से एक्स दूरी पर है, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब आप ध्यान देंगे सामने, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको, हटा दें। चलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकाल कर दिखा देते हैं, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देंगे क्या, सी डैश पॉइंट पर SFD ने साइन चेंज किया है, साइन चेंज किया है, इसलिए सी डैश पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इतना आप सब लिख लेंगे, इजी है यहाँ तक तो। अब आपको इसी पॉइंट पर मोमेंट निकालना है, सी डैश पॉइंट पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, एक्स दूरी पर निकालना, तो या तो आप इसको MX लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, MX, या केवल M पॉइंट, क्या यहाँ पर C है तो C लिख दीजिए, ठीक है, C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट। अब सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ध्यान से देखेंगे, केवल सी तक जाना है, आगे नहीं बढ़ना आपको, इधर से हम चलना शुरू कर रहे हैं, ऊपर की ओर आर वी लग रहा है, आर वी इंटू सी तक की दूरी, आर वी और इंटू में सी तक की डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बी से और सी तक का यूडीएल लेना है, नीचे की ओर है तो माइनस में लेंगे, कितना यूडीएल है, ये डब्ल्यू इंटेंसिटी का है, एक्स लंबाई तक का लेना है सिर्फ आपको। तो टोटल लोड क्या लेंगे आप, डब्ल्यू इंटू एक्स ले लेंगे, ठीक है, ये तो टोटल लोड की वैल्यू आ गई, केवल हम बी से सी तक का लोड ले रहे हैं। एंड एंड डिस्टेंस कितनी लेंगे, हमेशा आधी दूरी पर लगता है तो एक्स की आधी दूरी लेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, हमें सी पॉइंट पर मूवमेंट लेना, तो आर बी पॉइंट लोड है, आर बी इंटू सी तक की दूरी एक्स, तो आर बी इंटू एक्स हो गया, माइनस में यूडीएल बी से सी तक का यूडीएल ये वाला, डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया टोटल लोड, और हमेशा सेंटर पर लगेगा, बी सी का सेंटर यहाँ होगा बीच में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स बाई टू, एक्स बाई टू ले लिया, और तो कोई लोड नहीं है सी तक, केवल ये और ये दो ही लोड थे, आगे जाना नहीं है, केवल सी तक ही रहना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आर बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एम सी बराबर आर बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू डब्ल्यू एल वाई टू है आर वी की वैल्यू, इंटू में यहाँ एक्स था, माइनस ये कितना है, डब्ल्यू एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया। इतना समझ आ रहा है, आप इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं, आपने पीछे एक इक्वेशन बना ली थी आपकी रिएक्शन निकालते टाइम, तो आप इसको कुछ और नाम दे सकते हैं, सपोज आप दो इक्वेशन कह दीजिए, जो भी आपको इक्वेशन को नाम देना हो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या करना है, हमने पढ़ा था पीछे क्या, dm अपॉन dx बराबर शियर फोर्स होता है, ये रिलेशन आप सबने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया था ना, मैंने डेरिवेशन बताया था, शियर फोर्स के परिवर्तन की दर तो लोड के बराबर होती है UDL के, और बेंडिंग मोमेंट के परिवर्तन की दर शियर फोर्स के बराबर होती है, ये मैंने एक डेरिवेशन आपको कराया था, अगर आपने पीछे वाली क्लास देखी होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, चूँकि हम जानते हैं क्या, dm अपॉन dx बराबर f होता है, और f इस पॉइंट पर, f देखिए यहाँ पर सी डैश पॉइंट पर f कितना है, इस लाइन पर दोस्तों जो शियर फोर्स होता है वो हमेशा जीरो होता है, यहाँ जीरो है, सी डैश पॉइंट पे भी जीरो होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, इसकी जगह पर जीरो, क्या लिख देंगे यहाँ पर जीरो, समझ पा रहे ना, तो आप यहाँ पर सीधे लिख दीजिएगा जीरो, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डी एम अपॉन डी एक्स बराबर जीरो आपको करना है, क्यों करना है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के परिवर्तन की दर शियर फोर्स के बराबर होती है, और शियर फोर्स यहाँ पर जीरो होता है, एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हो गया, आपने मैथ में पढ़ा होगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा का मतलब हो गया, आप जब हम मैक्सिमा पता करते थे किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स को जीरो के बराबर रखते थे, तो सेम यहाँ पर भी आपको डी एम अपॉन डी एक्स को जीरो के बराबर रखना है। बाकी सिंपल रीजन आप कौन सा याद रखेंगे, सिंपल रीजन आपको याद रखना है कि जिस पॉइंट पर आपका ये शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है उस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, तो हमने यहाँ शियर फोर्स जीरो कर दिया, तो डी एम अपॉन डी एक्स बराबर जीरो आ गया। अब आपको करना क्या, इस इक्वेशन दो का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है। डिफरेंशियल करने के बाद क्या करेंगे, जीरो के बराबर रख के आप इजीली एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो करते हैं इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा आप, यहाँ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी डी एम अपॉन डी एक्स
बराबर x के रिस्पेक्ट में ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, डब्ल्यू एल वाई टू हो गया कांस्टेंट, और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में बेटा 1 हो जाएगा, अवकलन 1 हो जाएगा x का, x के सापेक्ष। आपने पढ़ा होगा मैथ के बच्चे हैं सभी, यहाँ पर क्या w बाई टू तो कांस्टेंट है, w बाई टू तो कांस्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा डिफरेंशियल। समझ पा रहे हैं? यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया, अब हम यहाँ पर dm अपॉन dx की वैल्यू 0 है तो इसको 0 रख देंगे, 0 रख दिया, बराबर w l बाई टू माइनस यहाँ बच्चा w इंटू एक्स। समझ पा रहे हैं? इस माइनस को इस साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा इधर जाके, तो w इंटू एक्स बराबर क्या आ गया w l बाई टू, ये w और w कैंसिल हो गए, क्या बचा x की वैल्यू, x इक्वल टू आ गया l बाई टू, मतलब ये जो दूरी है इस साइड से यहाँ पर ये कितनी है l बाई टू है, आधी है l बाई टू है। अब इस l बाई टू को यहाँ पर पुट कर दीजिए x के प्लेस पर, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रखिए इस वैल्यू को, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, इक्वेशन सेकेंड यहाँ तक दिखा देते, सेकेंड है मैं अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए, यहाँ पर कर रहे हैं हम। ठीक है, पुट करें वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी सी पॉइंट पर मूवमेंट आ जाएगा, यह है डब्ल्यू एल वाई टू इंटू मैं एक्स की वैल्यू एल वाई टू यहाँ रख दी एल वाई टू, क्लियर हुआ, माइनस ये डब्ल्यू वाई टू है और एक्स की वैल्यू कितनी है एल वाई टू, तो एल वाई टू, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। इतना समझ आ रहा है, सॉल्व कीजिए, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर हो गया माइनस ये डब्ल्यू, यहाँ ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा दो का स्क्वायर चार, चार दूनी आठ, आठ हो गया। एलसीएम लेंगे आप नीचे कितना आ जाएगा, एट एलसीएम आएगा, ये दो बार कट गया टू डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस एक बार जाएगा तो डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई एट, कितना आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई एट, ये बताइए समझ आ रहा सभी को, डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई एट हो गया ये, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, मान लिया मैंने सपोज यहाँ तक आ रहा था डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई एट आ रहा था, पैराबोला बनता है तो आप पैराबोला बना दीजिए इस तरह से, ठीक है, सही से बनाइएगा, बोर्ड पे मारकर फिसलता आप अच्छे से बना लीजिएगा ना, चलिए इतना तो आप बना सकते हैं इजीली, ये हो गया पैराबोला, इसको प्लस का दिखा दीजिएगा ऊपर की ओर बन रहा है इसलिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। तो यहाँ पर भी आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर सीखने वाली बात क्या थी, जिस पॉइंट पर यूडीएल के केस में हमेशा जिस पॉइंट पर शियर फोर्स साइन चेंज करेगा वहाँ पर भी आपको इस साइड से एक्स दूरी लेके अलग से मूवमेंट लेना पड़ेगा, उस मूवमेंट का डिफरेंशियल कीजिएगा और डीएम अपॉन डीएक्स की जगह जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की जो वैल्यू आई है उसको इसी मूवमेंट वाली वैल्यू में एक्स की जगह पर पुट कर देना है, तो आपको यहाँ से इस तरह से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकल आएगा। एंड इसके अलावा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम की टोटल लंबाई पर यूडीएल लगा होगा डब्ल्यू इंटेंसिटी का, तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट होती है, एज ए फॉर्मूला आप रट लीजिएगा इसको, बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में इसका यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड केस हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की और एक एक करके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं और आगे देखिए। अब तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने जो कि यूपी 2018 के मॉस के एग्जाम में पूछा गया था, ये मैकेनिकल वाले सेट में। एक शुद्ध आलंबित धरण यानी सिंपली सपोर्टेड बीम का विस्तार 3 मीटर है, मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका स्पैन दिया 3 मीटर, इसकी पूरी लंबाई पर 4 किलो न्यूटन प्रति मीटर का एक समान वितरित भार यानी यूडीएल लगा है, एंड मध्य बिंदु पर मिड पॉइंट पर 5 किलो न्यूटन का संकेंद्री भार यानी पॉइंट लोड लगा है। इस बीम के लिए SFD एंड BMD खींचिए और इनके अधिकतम मानों को आरेख पर अंकित कीजिए। कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे ही लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ आया था आपके एग्जाम में, पहले हम इसका बीम का डायग्राम बनाएंगे फिर उसके SFD BMD खींचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, इंग्लिश हिंदी में कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो पहले आप सिंपली सपोर्टेड बीम बना लीजिए। आप सब जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी होती है, जिसके दोनों सिरे पर सपोर्ट होती है, सपोर्ट पर यहाँ रिएक्शन आ गई। ठीक है, इस तरह से ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इस तरह से। ठीक है, एंड इसकी टोटल स्पैन कितना दिया है, SSB का 3 मीटर स्पैन है, मतलब टोटल लंबाई इसकी 3 मीटर है, 3 मीटर यहाँ से और यहाँ तक टोटल। ठीक है, एंड इसकी टोटल लंबाई पर, पूरी लंबाई पर यूडीएल लगा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, यूडीएल लगा दिया हमने, और इस यूडीएल की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस यूडीएल की वैल्यू है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इतना क्लियर। इसके बाद क्या बोला है,
मिड पॉइंट पर 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। मिड पॉइंट मतलब दोनों के बिल्कुल बीच में। सपोज यहाँ पर है आपका मिड पॉइंट ये, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। अब ये मिड पॉइंट है तो इस पॉइंट से इस साइड की डिस्टेंस भी 1.5 मीटर होगी, 3 का आधा 1.5 मीटर, और इधर की डिस्टेंस भी ये वाली 1.5 मीटर होगी, 1.5 मीटर। इतना समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है, तो ये डायग्राम हमने बना दिया है। इस थ्योरी से पहले आप ये डायग्राम इस तरह बना लेंगे, आसान था, बना दिया। अब क्या करेंगे, अब रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पॉइंट को नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मिड पॉइंट आपने सी बोल दिया, ठीक है। तो ए पॉइंट पर रिएक्शन आर ए, बी पॉइंट पर रिएक्शन आर बी। हमें आर ए आर बी पहले कैलकुलेट करना है, पहले लिख देंगे हम यहाँ पर रिएक्शंस, मतलब हिंदी वाले बच्चे प्रतिक्रियाएँ कह देना, ठीक है। अब रिएक्शंस निकालनी है, रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हिंदी वाले बच्चे भी लिख देंगे संतुलन की अवस्था में। इक्विलिब्रियम कंडीशन हम दो लगाएंगे, पहले तो लगाएंगे सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, इससे निकालेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट आपसे पूछूँ रिएक्शन, तो क्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इस पर सिमेट्रिक लोडिंग हो रही है। एक तो यूडीएल लग रहा है टोटल लंबाई पर 3 मीटर पर, तो यूडीएल में टोटल लोड क्या होता है, लंबाई से गुणा कर देते हैं, तो 4 * 3 = 12, 4 का 3 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 12। एक तो 12 तो आ रहा था आपका टोटल लोड यूडीएल, और कितना है, और नीचे को 5 और लगा है पॉइंट लोड, तो 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया। 17 का आधा कितना होता है 8.5, 8.5, यानी 8.5 आर ए की वैल्यू आएगी और आर बी की वैल्यू भी 8.5 ही आएगी, दोनों सेम आएंगे। हम डायरेक्ट इस तरह निकाल सकते हैं, टोटल लोड निकाल के बस आधा कर दीजिएगा अगर सिमेट्रिक लोडिंग की कंडीशन होगी तो। बट हम यहाँ पर करके देखते हैं क्या वही वैल्यू आ रही है। तो सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो से चेक कीजिए, ऊपर की ओर लगने वाले लोड को प्लस में लेंगे, आर ए लग रहा है ऊपर की ओर, प्लस में आर बी लग रहा है, दो लोड ऊपर की ओर है, माइनस में नीचे की ओर कौन सा है, 5 का तो पॉइंट लोड है आपका, 5 तो पॉइंट लोड है, माइनस यूडीएल कितना है, यूडीएल में हमेशा लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 * 3 = 12 यूडीएल है बराबर 0, 12 * 5 = 17 हो गया। इस साइड ले आएंगे तो आर ए प्लस आर बी कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी बराबर 17 आ गया, एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, सिग्मा एम ए बराबर जीरो मतलब एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं हम, ठीक है। अब सिग्मा एम ए बराबर जीरो से करेंगे, ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आर वी इंटू ए तक की डिस्टेंस, आर वी ऊपर की ओर है पॉजिटिव ले लीजिएगा, आर वी और इंटू में ए तक की डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, फिर माइनस में पहले टोटल यूडीएल ले लो, पूरा यूडीएल कितना 4 * 3 = 12, यूडीएल है 12, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, आपको पता है यूडीएल सेंटर पर कार्य करता है टोटल लोड, और सेंटर बिल्कुल बीच में होगा यहाँ, तो यहाँ से आपको ए तक की डिस्टेंस 1.5 मीटर लेनी है, कितनी 1.5। इसके बाद माइनस में ये पॉइंट लोड लगा है 5 का, तो माइनस में 5 और पॉइंट लोड से भी ए तक की डिस्टेंस 1.5 है, इसमें भी 1.5 से मल्टीप्लाई, एंड आ गए ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आर ए लगा है ऊपर की ओर, तो आर ए बट इसकी डिस्टेंस क्या है 0, क्योंकि ए पॉइंट पर ही लग रहा है ये, और बराबर में क्या रखते हैं 0 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो गया 3 आर बी, माइनस में 12 का 1.5 गुना होता है 18, माइनस 5 का 1.5 गुना कितना हो गया 7.5, 7.5, और ये तो 0 हो गया पीछे वाला, इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, ठीक। कितना हो गया ये दोनों को देख लीजिए इधर से, तो 3 आर वी बराबर 18 और कितना हो गया ये 18 और 7, 25.5 हो गया, कितना हो गया 25.5। इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो आर बी बराबर कितना आएगा, 3 से करेंगे तो इसको 3 से कीजिए, इसको कितना हो गया 3 * 8 = 24 होता है, 1 * 15 हो गया, 3 * 5 = 15, 8.5 किलो न्यूटन आ गया, कितना आ गया 8.5 किलो न्यूटन। अब इस आर वी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आर ए आ जाएगा यहाँ से आपका, आर ए बराबर 17 ये था, इधर लाएंगे आर बी को, इधर जाके माइनस हो गया, आर बी की वैल्यू है 8.5, कितना आ जाएगा ये भी आपका 8.5 किलो न्यूटन ही आ गया, तो आपको आर ए की वैल्यू भी कितनी मिल गई 8.5 किलो न्यूटन। समझ पा रहे हैं, मैंने आपको डायरेक्ट भी यही बताया था 8.5 और 8.5 आएगा, सेम आया है, बट एग्जाम में आप इस तरह करके आएंगे। क्लियर हुआ? आप रिएक्शंस को नोट कीजिए, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ रिएक्शन की, क्या क्या वैल्यू आई है, दोनों वैल्यू सेम आई है, आर ए की वैल्यू और आर वी की वैल्यू दोनों ही कितनी है
8.5 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद अब इसे रफ कर रहा हूँ और आपको कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, एसएफडी के लिए। लिख लीजिए कैलकुलेशन फॉर एसएफडी या फिर ओनली एसएफवी लिख सकते हो आप, शियर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप कैलकुलेशन फॉर एसएफडी। शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन देखिए, आप राइट साइड से चलेंगे तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर फ्रॉम आरएचएस, किधर से चल रहे हैं हम, आरएचएस से चल रहे हैं, यानी इस साइड से चलना शुरू करेंगे इधर से। जब इधर से चलेंगे तो ऊपर वाले जो लोड होंगे वो पॉजिटिव, जो नीचे की ओर लगेंगे वो नेगेटिव। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना विशेषकर आपको, क्लियर ना। अब दिखा देंगे ताकि आपका एग्जामिनर जब भी चेक करेगा क्वेश्चन को तो उसे क्लियर हो जाएगा आपने ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव लिया है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से हम टिलोरेट लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, शियर फोर्स टिल पॉइंट बी। टिल पॉइंट बी पर जीरो होगा, मतलब बी पॉइंट तक, बी से पहले पहले कोई लोड नहीं है ना, तो जीरो कर देंगे। इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बस टिल और एट दोनों निकालते रहिए। एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, बी पर ऊपर की ओर आर बी लगा हुआ है, तो ऊपर की ओर लग रहा पॉजिटिव लेंगे आर बी, और आर बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 8.5 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आ जाएंगे बी के पास सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर पहले टिल लिखेंगे फिर एट, पहले लिखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी, इन दोनों पर और निकाल लीजिए। टिल पॉइंट सी का मतलब है सी पॉइंट तक, यानी सी पॉइंट तक कितना है शियर फोर्स, तो बी से सी तक, बी पे तो हम निकाल चुके थे कितना आया था, ये 8.5 आया था। इसके बाद जब आप बी से सी तक जाएंगे तो ये चार जो किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है 1.5 मीटर लंबाई तक का, ये वाला यूडीएल और शामिल हो जाएगा, यानी बी से सी तक ये यूडीएल और आ जाएगा इसमें, तो नीचे की ओर लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे। कितना यूडीएल है, 4 × 1.5। यूडीएल में टोटल लोड निकालने के लिए हमेशा लेंथ से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, जितनी लेंथ तक का हम यूडीएल लेंगे उससे गुणा कर देंगे। 8.5 ये ऊपर की ओर था आरबी, ये वाला ले लिया आपने, फिर माइनस में इसमें से कितना माइनस कर दिया, 4 × 1.5। केवल सी तक जाना है, सी पर नहीं, इस पांच को नहीं लेंगे, इस पांच को यहां पर लेंगे एट वाले में। ठीक है, जब भी टिल कहेंगे तो सी से पहले पहले देखना आपको, या टिल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं शियर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट सी, एक ही मतलब है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये कीजिए तो हो गया कितना, 4 × 1.5 गुना कितना होता है, 6 होता है, 6 घटा दीजिए आप 8.5 में से कितना बचेगा, 2.5 किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट सी, तो टिल पॉइंट सी तक तो आ गया 2.5, इसमें से माइनस कर दीजिए कितना जो यहाँ पर लगा हुआ है, नीचे की ओर 5 लग रहा है सी पॉइंट पर, तो माइनस 5 और कर दीजिए, तो कितना बचेगा, ये माइनस का बचेगा 2.5, माइनस का 2.5 किलो न्यूटन बच गया। समझ आ गया यहाँ तक, एट पॉइंट सी तक। अब सी के बाद आ जाओ ए पर, तो पहले टिल पॉइंट है फिर एट पॉइंट है, तो शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, टिल पॉइंट ए कितना होगा, देखो यहाँ पर तो आ गया था पीछे वाला लोड, आ गया आपका सी पॉइंट तक कितना था, ये सी पॉइंट पर आ गया था यहाँ पर माइनस का 2.5। अब इसके बाद सी से ए तक का जो यूडीएल आ रहा है ये और माइनस हो जाएगा, सी से ए तक का यूडीएल कितना है, यूडीएल सभी जगह सेम रहता है 4 है, तो यहाँ भी 4 ही होगा, तो 4 कितनी लंबाई तक, 1.5 तक, सी से ए तक की लेंथ है 1.5, तो 4 × 1.5 इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, टिल पॉइंट बोल रहे हैं इसलिए, कितना हो जाएगा ये देखिए, ये हो गया 6 और माइनस का 6 और माइनस का 2.8, तो माइनस का 8.5 हो गया, 2.5 था ये, ठीक, 2.5 और 6 दोनों माइनस के, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 8.5 आ जाएगा किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आएगा आप शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, पहले तो कितना पीछे है, माइनस का 8.5। अब ए पॉइंट पर देखें ऊपर की ओर आर ए लग रहा है, ऊपर की ओर है प्लस में लेंगे आर ए, यहाँ पर आर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस का 8.5 और प्लस का 8.5, आर ए की वैल्यू भी क्या है 8.5, बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन राइट है, क्योंकि 0 से शुरू करके एंड में 0 पर ही आपको ख़त्म करना है, तब आपका करेक्ट रहेगा। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, पहले डायग्राम देख लीजिए, और हो सके तो डायग्राम जब आप बनाए ना तो स्केल मान करके बनाइएगा, तो आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा डायग्राम। स्केल मानने से मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपका 8.5 2.5 2.5 8.5 आ रहा है, तो आप 2.5 को 1 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा,
एक सेंटीमीटर खींच लेंगे 2.5 को, तो इसमें 8.5 में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो इसमें 2.5 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। तो आप इक्वल खींचेंगे, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी पहले, ठीक है, एक लाइन खींच दी। अब सबसे पहले अच्छा नीचे खींच लो थोड़ा, क्योंकि पॉजिटिव फोर्स भी है इसमें, मान लो यहाँ ले रहे हैं, ठीक। सबसे पहले आप बी पॉइंट पे देखिए, पहले बी पे जीरो, फिर 8.5, पहले जीरो ले लिया, फिर 8.5, लगभग मान लिया आपने यहाँ तक 8.5 है, 8.5। मैं ये कहना चाह रहा था, आप स्केल मान के खींचते ना, तो आप इसे पैमाने से खींच लेते फिर, तो आपके इक्वल डायग्राम बनता, सेम बिल्कुल बराबर डिस्टेंस का, ठीक है। 8.5 हो गया ये। इसके बाद क्या है फिर, सी पॉइंट, बी के दोनों हो गए, सी पे कितना है, पहले 2.5 है पॉजिटिव, तो इससे कम आएगा, बल्कि लगभग यहाँ तक ही आएगा ना, इससे बहुत कम आएगा, ये ज़्यादा है, इसके डबल से भी ज़्यादा है, चार गुना लगभग है ये, तो यहाँ आएगा 2.5 आ गया ये वाला सी पर, यहाँ लिख दीजिए 2.5, ठीक, इस पर। इसके बाद कितना फिर, माइनस का 2.5 है इसी सी पॉइंट पर ही, तो नीचे ले लो सेम इतना ही, जितना ऊपर है ये उतना ही सेम नीचे ले लो, यहाँ पर यहाँ ले लिया हमने कितना, ये आ गया माइनस का 2.5। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आ जाओ ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पहले कितना, माइनस का 8.5, मतलब इस लाइन से जितना ये है उतना ही स्केल से नाप करके आप यहाँ खींचेंगे नीचे, ठीक है, सेम सेम इतना खींच दीजिएगा, लगभग मान लेता हूँ मैं यहाँ तक है समथिंग, तो माइनस का 8.5। इसके बाद ए पर जीरो है तो यहाँ जीरो लगा दिया, समझ आ गया, सभी पॉइंट खींच लिया, अब इन सबको मिला दो आपस में, जीरो से पहले इस पे गए, ये मिल गया, ठीक, इतना समझ पा रहे हैं। इसके बाद कहाँ जाना है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इंक्लाइंड आ जाएंगे, वैसे भी यूडीएल है, इंक्लाइंड ही चलेंगे, त्रिभुज बनता है ना आपका एसएफडी में, यूडीएल के केस में। अब यहाँ से यहाँ आना है, पॉइंट लोड था नीचे को आ गए, ठीक, ये आ गए यहाँ तक। इसके बाद फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है, तो इसको इंक्लाइंड मिलाएंगे, ठीक, इस तरह से, फिर इसको इससे मिला देंगे, समझ पा रहे हैं। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम, क्या बोल देंगे इसे हम, इसे बोल देंगे एसएफडी, ये बन गया हमारा क्या, शियर फोर्स डायग्राम। सभी को क्लियर हुआ शियर फोर्स डायग्राम, इजी है, समझ आ गया। मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 8.5 किलो न्यूटन, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा आ गया 8.5 किलो न्यूटन, ये मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप नोट कीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, और आगे अब हम बेंडिंग मूवमेंट के लिए कैलकुलेशन देख लेते हैं, हटा दें इसे, चलिए लिखते रहिएगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, क्या, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, चलिए अब लिख लीजिए कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी। अब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम, तो जो ऊपर की ओर फोर्स है इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, ऊपर की ओर जो फोर्स है उसके कारण एंटी क्लॉकवाइज, इसको प्लस लेंगे, और जो फोर्स नीचे की ओर लगेंगे उसके नीचे की ओर वाले फोर्स के कारण क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। आप सिंपल याद रख सकते हैं, ऊपर की ओर फोर्स वाला मूवमेंट पॉजिटिव, नीचे की ओर फोर्स वाला मूवमेंट नेगेटिव लेना है आपको। चलिए अब इसके बाद पहले लेंगे हम बी पॉइंट पर, तो लिखेंगे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर देखिए कितना बेंडिंग मूवमेंट है, जीरो ही रहेगा, आर बी इंटू बी तक की दूरी जीरो है, तो आर बी और बी तक की डिस्टेंस जीरो, बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद सी पॉइंट पर लेंगे, ठीक है, सी पर हालांकि आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, पहले टिल पॉइंट फिर एट पॉइंट, बट मूवमेंट जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि पाँच जब हम लोड लेंगे तो ये सी तक की डिस्टेंस जीरो है इसकी, तो पाँच का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं इस पर सी पॉइंट पर, इसीलिए डायरेक्ट एट पॉइंट लिख लीजिएगा आप, अलग अलग मत निकालिएगा। बेंडिंग मूवमेंट सीधे लिखिएगा एट पॉइंट सी। अब एट पॉइंट सी पर कितना आएगा, देखो आर वी इंटू में सी तक की डिस्टेंस, आर वी की वैल्यू कितनी है 8.5, ये रहा 8.5, 8.5 हो गया इंटू सी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर बी से सी तक की डिस्टेंस 1.5 है, तो 1.5 हो गया, इतना क्लियर। अब यहाँ से बी से सी तक का यूडीएल आएगा नीचे की ओर, तो माइनस में लेंगे नीचे की ओर है, तो कितना यूडीएल आएगा, ये चार का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लोड हो जाएगा, टोटल लोड हो गया 4 × 1.5, ये टोटल लोड है, बट इसकी डिस्टेंस कहाँ लगती है, हमेशा ये सेंटर पर कार्य करता है, मतलब आधी दूरी पर लगता है। तो हमने यूडीएल लिया है बी से सी तक का 1.5, तो 1.5 का आधा सेंटर पर यहाँ पर होगा, तो यहाँ से और सी तक की दूरी 1.5 का आधा हो जाएगा, 1.5/2 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ रहा है, ये इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना है, तो ये है आपका 8.5 × 1.5,
ये 12.75 आ गया, इसको कर लीजिए आप, कितना है ये डिवाइड बाई 2 इंटू में ये कितना है 6 है, और ये था आपका 8.5 इंटू 1.5, तो 8.25 आ रहा है, कितना 8.25, ठीक है, किलो न्यूटन इंटू मीटर, सी पॉइंट पर आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट। सी के बाद ए पॉइंट पे निकाल दीजिए, ए पॉइंट पे कितना आएगा, ए पॉइंट ये वाला है, इस पे निकालेंगे तो आर वी और इंटू में ए तक की डिस्टेंस लिख लीजिए यहाँ पर। हालांकि हमें पहले से पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरों पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो ये जीरो ही आएगा, देख लीजिए। आर बी की वैल्यू लिखिए और ए तक की डिस्टेंस, आर बी कितना था 8.5 इंटू में ए तक की डिस्टेंस 3 है, यहाँ से आर बी से ए तक की डिस्टेंस की 3। इसके बाद यूडीएल बी से ए तक का टोटल यूडीएल 4 × 3 = 12 लोड हो जाएगा, टोटल 12 तो लोड होगा, और डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, डिस्टेंस ये सेंटर पर लगेगा, मतलब सेंटर यहाँ पर है यहाँ से, और ए तक की डिस्टेंस 1.5 ले लिया। फिर माइनस का ये पॉइंट लोड आ रहा है 5, तो माइनस का 5 और यहाँ से और ए तक की दूरी 1.5, कितनी 1.5। इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद आर ए है, बट आर ए की डिस्टेंस तो जीरो है, तो प्लस में आर ए ऊपर की ओर है बट इसकी डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि ए पॉइंट पे लग रहा है, ए पे ही मूवमेंट ले रहे हैं हम। इतना बताइए क्लियर हुआ, इसको सॉल्व करेंगे जीरो आ जाएगा, ये सॉल्व करके आप करके देख लीजिएगा, इसको मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, जीरो ही आएगा, ठीक है, इस कैलकुलेशन को करके देखेंगे तो जीरो ही मिलेगा। मैं एक बार आपके सामने कैलकुलेटर से कर देता हूँ, बाकी आपको दिखेगा नहीं इसमें क्लियर। 8.5 इंटू 3 माइनस में 12 इंटू 1.5 माइनस में 5 इंटू 1.5 इक्वल किया जीरो आ गया, ठीक है, जीरो ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसका आप डायग्राम बना देते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लीजिए इसका। ठीक, इसके नीचे बनाएंगे, यहाँ पर बना देते हैं, नेगेटिव मूवमेंट तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। दिख रहा है यहाँ तक का, आई थिंक सो दिख रहा होगा, चेक कर लूँगा अभी। दोनों सिरों पर जीरो आया, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, ठीक है, दोनों पर जीरो है। एंड इसके बाद सी पॉइंट पे कितना है 8.25, मान लो लगभग यहाँ तक मान लिया आपने, कितना है ये 8.25। यूडीएल लग रहा है पैराबोलिक आएगा, यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक, इधर भी यूडीएल है, ये भी पैराबोलिक, तो दोनों तरफ से पैराबोलिक बनेगा ऐसा, ठीक है, मान लो यहाँ था पॉइंट, समझ पा रहे हैं क्या बन गया, पैराबोला बन गया आपका ये, और यहाँ पर आ गया 8.25, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 8.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इन सब के साथ किलो न्यूटन लिख दीजिएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी किलो न्यूटन एंड यहाँ भी किलो न्यूटन, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने क्या बताया था, दो पॉइंट बताए थे, सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरों पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, जहाँ पर साइन चेंज होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, यहाँ साइन चेंज हो रहा है सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट पर ही मैक्सिमम है, अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सी पॉइंट पर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अगर इस सी पॉइंट पर यहाँ पर कोई पॉइंट लोड नहीं होता ऊपर से, तब हमें अलग से निकालना पड़ता है यहाँ पर, ठीक। अब हमने सी पे पहले से निकाल दिया है, तो अब आपको एक्स दूरी मान के निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है, इसे रफ करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चित्र में प्रदर्शित सिंपली सपोर्टेड बीम के SFD एंड BMD खींचिए, यानी इस बीम के आपको SFD BMD खींचना है, और ये 2011 के UP के एग्जाम में पूछा गया है, UPBT में, और 2014 के UK वाले एग्जाम में पूछा, उत्तराखंड वाले में, ठीक है। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं आप इसको, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, थोड़ा स्पीड को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे रिएक्शंस डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आप लिख सकते हैं चाहे तो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, सिग्मा FY बराबर जीरो से, पहले लिख देंगे हम क्या, सिग्मा FY बराबर जीरो से, सिग्मा FY बराबर जीरो से क्या होगा, ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उन्हें पॉजिटिव ले लो, ए पॉइंट पर रिएक्शन RA होगी, बी पॉइंट पर रिएक्शन RB होगी, तो ऊपर की ओर RA प्लस RB लग रहा है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, RA प्लस में RB, और जो नीचे की ओर लग रहा है मैं डायरेक्ट बराबर कर देता हूँ, हालांकि माइनस में आएंगे फिर जीरो के इधर जाके प्लस हो जाएंगे वो, तो मैं डायरेक्ट इक्वल में लिख रहा हूँ, कितना 5 तो ये है 5, और ये कितना हो जाएगा 3 × 6 ये है, UDL में दूरी से भी गुणा करते हैं, तो 3 × 6 ये है 5, ये 6 और 5 कितना हो गया 11 किलो न्यूटन, ठीक है। ये क्या आ गया आपका,
एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद सिग्मा एम ए बराबर जीरो से करेंगे, सिग्मा एम ए, एम ए मतलब एम पॉइंट, मतलब ए पॉइंट पर मूवमेंट लेके उसको जीरो के बराबर करना है। अब सिग्मा एम ए बराबर जीरो से कीजिए, ए पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे तो आर बी ऊपर की ओर है, प्लस में लेंगे आर बी इंटू ए तक की दूरी 6 मीटर, आर बी और इंटू में ए तक की डिस्टेंस 6, फिर माइनस में ये 5 पॉइंट लोड है तो माइनस में 5 आ गया, और इस पॉइंट लोड की डिस्टेंस ए तक की 5 से और ए तक की दूरी कितनी 3 मीटर, 3 ले लिया। इसके बाद माइनस यूडीएल है, ये 2 3 6 का यूडीएल होगा टोटल लोड, और दूरी हमेशा आधी पे काम करता है सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे लगेगा, सेंटर पे कितना हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 का आधा 1.5। इसके बाद ए पॉइंट पे ऊपर की ओर आर ए लग रहा है, इसको लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ना लिखना चाहे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जीरो हो जाता है, दूरी बराबर क्या है जीरो है। सॉल्व करेंगे ये हो गया 6 आर वी, माइनस कितना हो गया 3 5 15 हो गया, माइनस 6 का 1.5 गुना हो गया 9 बराबर जीरो, तो कितना हो गया 6 आर वी बराबर 15 और 6 15 और 9 कितना होता है 15 और 9 हो गया 24, तो ये आर बी कितना आ गया, यहाँ से आर बी की वैल्यू 6 से डिवाइड कर दो इसको, 4 आ गया, 4 किलो न्यूटन। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब यहाँ रखेंगे आर बी को 4 तो 11 में से 4 घटाएंगे, आर ए आ जाएगा 7, आर ए आ जाएगा 7 किलो न्यूटन। इतना क्लियर हुआ, आर ए आर बी निकल गया, रिएक्शन हम कैलकुलेट कर चुके, ठीक है। मैं रिएक्शंस की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, आर ए और आर बी, नहीं अलग अलग आ रहे हैं, आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए आया है आपका 7 किलो न्यूटन और आर बी कितना है, आर बी है 4 किलो न्यूटन। क्लियर ना, ये आर ए और आर बी हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको, चलिए हटा दें। अब लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम। अब शियर फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशन करेंगे दूसरे स्टेप में। देखिए कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम यानी कर्तन बल आरेख के लिए गणना हिंदी में, ठीक है। कीजिए पहले टिल पॉइंट बी से शुरू करेंगे, अब आप लिखते रहिए समझते रहिए, ठीक है, साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, टिल पॉइंट बी पर जीरो होगा, इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट बी, आप खुद में बोला करें साथ साथ, उससे आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप बोर नहीं होंगे। एट पॉइंट बी पर कितना है, एट पॉइंट बी पर आप बताइए, मैं पूछूं बताइए तो आप खुद में बोला करें कितना है बी पर, ऊपर की ओर आर बी है तो ऊपर की ओर है, प्लस में लेंगे आर बी और आर बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 किलो न्यूटन आ गया किस पे, बी पॉइंट पर। बी के बाद पहले निकालेंगे टिल पॉइंट सी, शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी मतलब सी तक, तो बी से सी तक कोई लोड नहीं आ रहा, सेम यही रहेगा 4 किलो न्यूटन, ठीक है, सेम रहेगा। इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट सी, देखो सी तक तो ये 4 आ गया, अब एट पॉइंट सी पे कितना नीचे की ओर 5 और आ रहा है इस पे, तो माइनस कर देंगे नीचे की ओर है 5, तो माइनस का आ गया 1 किलो न्यूटन। इतना क्लियर। इसके बाद सी के बाद ए पॉइंट पर आएंगे तो टिल पॉइंट ए, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, तो यहाँ तक तो हो गया था सी तक माइनस का 1, और माइनस के 1 के बाद यहाँ सी से लेके ए तक का लोड कितना है, तो यूडीएल है, टोटल लोड 6 हो जाएगा, तो नीचे की ओर है माइनस में 6, कितना हो गया माइनस का 7 किलो न्यूटन। इसके बाद लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर कितना होगा माइनस 7 तो ये था, और ए पॉइंट पर ऊपर की ओर लग रहा है आर ए, तो ऊपर की ओर है, प्लस में लेंगे आर ए, बेटा आर ए की वैल्यू रखिए, आर ए ऊपर की ओर कितना 7 है, 7 रख दिया, बराबर क्या आ गया 0, डैट मीन्स कैलकुलेशन इज ओके, बिकॉज यहाँ भी 0, लास्ट में भी 0 ही आया है, एकदम सही है, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका, इसका डायग्राम बनाते हैं, चलिए यहाँ बना लें, यस। सबसे पहले बी पॉइंट पर पहले 0 है, फिर हो गया 4, मान लिया 4 यहाँ तक हो गया, ठीक है, किलो न्यूटन में। इसके बाद फिर सी पॉइंट पर जाओ, पहले सी पर 4 है, जस्ट इसके सीध में आएगा बिल्कुल, यहाँ मान लो 4 है, कितना 4 किलो न्यूटन। इसके बाद कितना है सी पर, इसके बाद माइनस 1, डेट मीन्स नीचे आएगा माइनस 1, सपोज मान लिया यहाँ आ रहा है, ठीक है, माइनस 1। इसके बाद कितना आएगा फिर, इसके बाद आ जाओ ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पहले माइनस का 7 है, इस पर कितना माइनस का 7, 4 से भी ज़्यादा, 4 यहाँ तक था तो और ज़्यादा ले लो, यहाँ तक मान लिया कितना, यहाँ तक आ गया माइनस का 7 किलो न्यूटन, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाइए, फिर 0 था ये पर, 0 लिख दिया, पहले यहाँ से यहाँ गए, ये आ गए, वेरी गुड, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो आपका जहाँ तक पॉइंट लोड था वहाँ तक तो आयत बन गया, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट लोड था, क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया,
इसके बाद यूडीएल ट्रायंगल बनेगा, इसको इससे मिला दो, ये मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, बोलिए क्लियर हुआ ये? ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मिलाना बिल्कुल सीधा, ये माइनस का ये प्लस का, समझ आ रहा है? मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 7। बेटा यहाँ केवल हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साइन सिर्फ ये बताता नीचे की वो डायग्राम बन रहा था। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स की जो वैल्यू है 7 किलो न्यूटन है, नेगेटिव है, दैट मींस नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है ना? इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इसको रफ करते हैं और देखते हैं कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, हटा दें इसको। जब भी आपसे कहेगा मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू बताओ, तो गलती से भी आप ये ना समझें कि पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही मैक्सिमम लेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी अगर इससे ज़्यादा लिखी है तो उसी को लेंगे। यहाँ पर आपका मैथ वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी हो जाती है, यहाँ पर नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डायग्राम इस लाइन से नीचे बन रहा है, ठीक है? बाकी यहाँ नेगेटिव का और कोई बड़ा मतलब नहीं है, 7 का 7 रहेगा सिर्फ, ठीक है? मैक्सिमम शियर फोर्स हटा दें। अब लिखेंगे आगे आप क्या, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, धीरे धीरे करते चलिए, हर तरह के क्वेश्चन हम कर लेंगे इसमें, ठीक है? कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, बट स्किप मत करना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए बीएमडी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप साइन कन्वर्जन दिखाना चाहते तो दिखा सकते थे, ऊपर की ओर वाला फोर्स पॉजिटिव लिया आपने, नीचे की ओर वाला फोर्स नेगेटिव लिया है, और आप किस साइड से चल रहे थे, आप RHS की तरफ से चल रहे थे, ये चीज़ भी आप लिख दीजिएगा एडिशनल, वो मैं लिखना भूल गया था उस टाइम, फ्रॉम RHS, ठीक है? उसके बाद कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, इसमें क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस, और जो नीचे की ओर लगता है क्लॉकवाइज वाला, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, ठीक है? चलिए लीजिए, बी पॉइंट से शुरू करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर कितना बेंडिंग मूवमेंट, बी पॉइंट ये है, तो आर बी इंटू बी तक की दूरी जीरो है, आर बी इंटू जीरो बराबर कितना हो गया, जीरो। इसके बाद सी पॉइंट पे लिखेंगे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे निकालिए कितना आएगा सी पॉइंट पे, तो आर बी इंटू में सी तक की दूरी, आर बी ऊपर की ओर प्लस में, सी तक की डिस्टेंस 3 मीटर है। इसके बाद माइनस में 5 लग रहा है ये, लेकिन दूरी इसकी जीरो है सी पर, ठीक है? कितना आ गया ये, आर बी की वैल्यू पुट कीजिए, आर बी की वैल्यू थी 4 इंटू 3, ये तो जीरो हो गया पीछे, तो कितना हो गया 12। मैं इसके पीछे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आर बी कितना 4 इंटू 3, ये तो जीरो हो गया था, बराबर कितना आ गया 12 आ गया किलो न्यूटन इंटू मीटर में, ठीक है? इसके बाद आ जाओ किस पर, ए पॉइंट पर, ए पर तो जीरो ही रहेगा, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर देखिए कितना आ रहा है, आर बी इंटू ए तक की दूरी, आर बी की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं 4, ए तक की दूरी 6 है, फिर माइनस में पॉइंट लोड है 5 और ए तक की डिस्टेंस है 3, फिर माइनस में यू डी एल, ये कितना है 3 × 6 है यू डी एल, दूरी बेटा कितना लेंगे 3 का आधा 1.5, ठीक है? सॉल्व कीजिए, 4×6 = 24 माइनस 3×5 = 15 माइनस 6 का 9 हो गया, तो 24 - 24 बराबर 0, बोला भी था आपसे दोनों सिरों पर 0 ही आता है। डायग्राम खींच दीजिए इसका, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, आसान था, आप कर सकते थे इसको, ठीक है? अब आपको सब क्वेश्चन धीरे धीरे करके इजी लगने लगेंगे। चलिए दोनों सिरों पर 0 आया है बेंडिंग मोमेंट, मिड पॉइंट पर 12 सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ बना दीजिए, ठीक है? मिड पॉइंट पर कितना 12 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इन सब पे भी किलो न्यूटन लिख दीजिएगा, लिखा हुआ है। यहाँ से इस पर मिलाएंगे आप, क्या बनेगा, ट्रेंगल, बीच में यूडीएल है नहीं तो ट्रेंगल बनेगा, सीधा मिलाएंगे बिल्कुल, ठीक है? इसके बाद यहाँ से यहाँ यूडीएल आ रहा है तो पैराबोला यानी कर्व बनेगा, कर्व ऐसे कर्व, ठीक है? ये कर्व बनेगा, इधर लीनियर बनेगा, आप चाहें तो एग्जाम में लिख दिया करिए और अच्छा रहेगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, 12 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, कितना 12 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी के 2005 के एग्जाम में, यूके के 2011 2012 2014 लगातार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन आपके सामने अभी हम दिखाई गई है, कोई भी ए पर रिएक्शन आर ए है, बी पर रिएक्शन आर बी है, आपको इसके लिए एस एफ डी बी एम डी बनाना है। सबसे पहला स्टेप रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, पहले रिएक्शंस निकाल लीजिए। रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख करके फिर आप लिखिएगा सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, ठीक है? कौन सा, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो से, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो से का मतलब क्या, ऊपर की ओर वाले फोर्स पॉजिटिव, नीचे की ओर वाले नेगेटिव, बराबर जीरो करेंगे, नेगेटिव वाले को दूसरी साइड ले जाएंगे,
डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे उधर जाके, तो ऊपर की ओर आर ए प्लस आर बी लग रहा है, आर ए लग रहा है और प्लस में आर बी लग रहा है, और जो नीचे की ओर है जो नेगेटिव होंगे मैं उन्हें इस साइड लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट करके बराबर इस साइड में, कितना आ रहा है, दो ये है, दो और चार ये है, छः हो गया, छः और 0.5 को आठ से गुणा करेंगे तो चार ये आएगा, कितना कितना है, दो प्लस चार प्लस में यूडीएल में हमेशा दूरी से गुणा करते हैं तो 0.4 × 8, तो इतना लोड है, तो चार दो छः और चार दस हो गया, कितना हो गया, दस, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं आर ए प्लस आर बी बराबर 10 kN, एक रिएक्शन एक इक्वेशन हो गई। दूसरा फिर सिग्मा एम ए बराबर जीरो से, सिग्मा एम ए बराबर जीरो से का मतलब क्या है, ए पॉइंट पर लेना है मोमेंट और जीरो के बराबर रख देना है सभी को जोड़ के, आर वी इंटू ए तक की दूरी कितनी होगी, ए तक की दूरी 18, आर वी और ए तक की डिस्टेंस कितनी है 18, फिर माइनस में आ जाओ, माइनस में ये वाला यूडीएल है, यूडीएल कितना हो जाएगा ये माइनस में, यानी 0.5 × 8, ये तो टोटल लोड हो गया, लेकिन दूरी लेंगे बेंडिंग मोमेंट या फिर मोमेंट कैलकुलेट करने में दूरी से गुणा करते हैं तो ये हमेशा सेंटर पर लगेगा, यानी कि इसका जो मोमेंट काम करेगा लोड काम करेगा टोटल ये सेंटर पर लगेगा, यहाँ सेंटर कहाँ होगा इसका, इधर 4 मीटर और इधर भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, तो यहाँ से लेके अब ए तक जाना है हमें कितनी दूरी होगी, 4 मीटर, ये 4 × 5 = 9, 9 × 5 = 14, 14 हो गया, कितना 14, यहाँ तक समझ आ रहा है, इसके बाद फिर इस पर आ जाओ 4 पर, तो माइनस का 4 और इंटू में ए तक की डिस्टेंस, 4 से ए तक की डिस्टेंस 10 है, फिर माइनस का ये 2 है और ए तक की डिस्टेंस 2 से और ए तक की डिस्टेंस 5 है, इसके बाद आर ए ऊपर की ओर है प्लस में रहेगा लेकिन दूरी इसकी 0 है, ठीक है, बराबर कर दिया 0 के, इसको सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा, ये करते हैं, चलिए इधर तो हो गया 18 आर बी हो गया, माइनस ये आएगा 4 और 14 चौक 56 होता है, माइनस 10 चौक 40 हो गया, माइनस 5 दूनी 10 हो गया, ये तो 0 हो गया बराबर 0, 40 × 50 = 106 हो गया, 18 आर बी बराबर कर देंगे, देखो 60 तो ये हो गया, 60 अच्छा 60 ही है, 50 116 होगा सॉरी, ठीक है आप ऐड कर सकते हैं कितना है, 10 है और 40 है, एक मिनट ऑन कर लीजिए, 10 40 और कितना 56, कितना आ रहा है 106 ही आएगा, 106 हाँ 106 आ गया, इसको 18 को दे ले जाएंगे, कितना हो गया ये, आर बी इक्वल टू 18 से डिवाइड कर दो 106 को, तो कितना आएगा 18 से डिवाइड करने पर, ये 5.88 आ रहा है, कितना 5.88, अगर इसको 5.88 लिया या तो आप 88 तीन बार आ रहा था 89 भी ले सकते थे, या फिर 88 लिया है तो आप इसको 10 में से माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ से आर ए कितना आ जाएगा, आर ए इक्वल टू आ जाएगा आपका, 10 में से माइनस कीजिए इसको, माइनस 10 तो कितना आएगा ये आपका, ये आ जाएगा 4.12, इतना किलो न्यूटन, इतना बताइए, समझ गए सभी, क्लियर हुआ यहाँ तक, आर ए आर बी रिएक्शन आपने ये कैलकुलेट कर लिए हैं, आप ऐसा भी कर सकते थे इसको आप 8 9 लेते तो आपका ये 1 1 आ जाता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बताइए इतना क्लियर हो गया आर ए आर बी, चलिए रिएक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं, आप कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स करेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ आर ए आर बी की, आर बी तो कितना आया था 5.88 आया था किलो न्यूटन में, और आर ए कितना आया है, आर ए आया है 4.12, दोनों को जोड़ के देखिए 10 हो जाना चाहिए, 10 ही हो रहा है, ठीक है चलिए इसको रफ करते हैं नीचे वाले को और इसे आगे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, कैलकुलेशन लास्ट के दो क्वेश्चन आपको इतनी मजेदार कराएंगे, उसमें एक्स दूरी लेकर के करना होगा ना, उन्हें करेंगे कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, फॉर एस एफ डी यानी शियर फोर्स डायग्राम के लिए गणना, तो इसमें वही चीज़ याद रखनी है आपको, हम किधर से चलेंगे, आरएचएस की तरफ से चलेंगे, फ्रॉम आरएचएस राइट हैंड साइड से, और ऊपर की ओर वाले फोर्स पॉजिटिव, नीचे की ओर वाले नेगेटिव लेंगे, ठीक है स्टार्ट कीजिए टेल पॉइंट बी से, शियर फोर्स टेल पॉइंट बी, टेल पॉइंट बी पर कितना होगा, 0 होगा, इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट बी, आप बताइए कितना आएगा, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर देखिए ऊपर की ओर लग रहा है आर बी, तो ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा, आर बी की वैल्यू कितनी है 5.88 किलो न्यूटन, इतना क्लियर हुआ, अब आ जाओ किस पर, सी पॉइंट पर, तो पहले लिखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी,
टेल पॉइंट सी का मतलब केवल सी तक लेना है, सी से पीछे पीछे, ठीक है। कितना है तो बी पर तो यही गया था आपका 5.88 माइनस में आएगा ये वाला यूडीएल और आ जाएगा। यूडीएल कितना है ये 0.5 × 8, टोटल लोड कितना होगा आपका 0.5 × 8 ही तो होगा, दूरी से गुणा करते हैं लोड में, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल लोड लेंगे, और जब मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं टोटल लोड लेने के बाद फिर आधी दूरी से और गुणा करते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ, सी तक ये दो लोड थे, एक तो आर बी था और एक ये यूडीएल था, बस इसको नहीं लेना है, इसको तब लेंगे जब एट पॉइंट सी लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, चार ये हो गया, 5.88 में से 4 माइनस करेंगे तो 1.88 आ जाएगा, 1.88 किलो न्यूटन। इसके बाद आ जाओ एट पॉइंट सी, सीयर फोर्स एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी कितना आएगा, टेल पॉइंट तो आ गया आपका 1.88, इसमें से माइनस हो जाएगा, सी पर नीचे को चार लग रहा है तो आप 4 माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 2.12, लेकिन माइनस का 2.12 बचेगा किलो न्यूटन में, समझ पा रहे हैं इतना। इसके बाद आ जाएंगे सी के बाद किस पर, डी पर, तो पहले टिल पॉइंट डी, सीयर फोर्स टिल पॉइंट डी, टिल पॉइंट डी तक सेम रहेगा, सी से डी तक कोई फोर्स नहीं है तो सेम यही रहेगा, माइनस का 2.12 किलो न्यूटन। इसके बाद एट पॉइंट सी लिखेंगे, सीयर फोर्स एट पॉइंट डी, तो ये तो था माइनस का 2.12, अब डी पर नीचे की ओर कितना और आ रहा है, 2 और आ रहा है, तो माइनस का 2 और आ गया, कितना आ गया माइनस का 4.12 किलो न्यूटन, इतना बताइए क्लियर हुआ। इसके बाद डी से ए तक कोई लोड नहीं है तो टिल पॉइंट सीयर फोर्स टिल पॉइंट ए, सेम रहेगा यही, माइनस का 4.12 किलो न्यूटन, यही वाला सेम आ जाएगा, यहाँ डी से ए तक कोई फोर्स नहीं था। अब लिखेंगे सीयर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे कितना का माइनस 4.12, तो ये हो गया, प्लस में ऊपर की ओर लग रहा तो प्लस में लेंगे आर ए, बेटा आर ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 4.12, और प्लस में आर ए की वैल्यू भी 4.12 है, बराबर क्या आ गया 0, आर ए की वैल्यू भी कितनी थी 4.12, तो 0 से स्टार्ट किया, 0 पे एंड करना था, बिल्कुल सही है। डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम अब देखना, एक टाइम के बाद आपको एस एफ डी बी एम डी से आसान कुछ और लगेगा ही नहीं, ठीक है, समझते चलिए बस। अगला एक और लेक्चर देंगे आपको एस एफ इसका ही, सिंपली सपोर्टेड बीम का, उसमें आपको यूवीएल और जितने कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट है, ब्रैकेट लोड होता है, कपल होता है, हर तरह का बनवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ओवरहैंगिंग का भी करा देंगे, फिर कोई कैसी भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा धैर्य रखा करें, मुझे जितना टाइम मिलता है ना कोशिश करता हूँ आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ, ऐसा नहीं है मैं रेगुलर जानबूझ के नहीं करना चाहता हूँ, टाइम ही थोड़ा कम मिल पाता है, मजबूरी है दोस्तों थोड़ी सी, क्योंकि ऑफलाइन बहुत ज़्यादा टाइम रहता है बैच, और चार चार घंटे तो जेई वाले बैच हो जाते हैं। तो डायग्राम बनाइए इसका, बी पॉइंट पर पहले 0 है, फिर बी पर कितना है 5.88 मान लिया, यहाँ तक है 5.88 प्लस का था, 5.88 किलो न्यूटन यहाँ लिख दिया, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ तक तो 5.88। इसके बाद आ जाओ किस पर, सी पॉइंट पर, सी पर कितना है, पहले 1.88 है, मान लो यहाँ तक है 1.88 किलो न्यूटन, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद कितना है फिर सी पर ही, माइनस में आ गया कितना, इसको थोड़ा नीचे लो, यहाँ ले लिया, माइनस में आ रहा है 2.12, तो इसका जस्ट डबल कर दो, लगभग डबल से थोड़ा कम, यहाँ ले लो माइनस का 2.12 किलो न्यूटन। सी का काम खत्म, डी पर आ जाओ, डी पर पहले तो इसके जितना ही है सेम, डी पर पहले तो कितना है इसके जितना, बिल्कुल सेम, यहाँ पर माइनस का 2.12 किलो न्यूटन, एंड इसके बाद डी पर कितना है फिर माइनस का 4.12, तो और नीचे आ गए आप, मान लो यहाँ आ गए माइनस का 4.12 किलो न्यूटन, इतना समझ पा रहे हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो थोड़ा, माइनस 2.12 किलो न्यूटन, और ये आ गया माइनस का 4.12 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद किस पर आएंगे आप, ए पॉइंट पर, पहले तो सेम है 4.12, इसके जितना बिल्कुल, ठीक, ये कितना है माइनस का 4.12 किलो न्यूटन, इसके बाद फिर 0 है, ये 4.12 से 5 थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो मैं और ऊपर ले लेता हूँ इसको यहाँ, ठीक है, ये ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा यही था। डायग्राम बना दीजिए, सबसे पहले इससे इसको मिलाए आपस में, यानी हम क्या करेंगे, 0 से लेके यहाँ तक पहुँच गए पहली लाइन, इतना बताइए क्लियर हुआ। इसके बाद इसको फिर इससे मिलाएंगे, यूडीएल है, इंक्लाइन चलेंगे एस एफ डी में ना, ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ठीक। इसके बाद पॉइंट लोड है, फिर यहाँ से नीचे आ गए, यस। इसके बाद फिर इस पॉइंट को मिलाना है,
मिला दिया, फिर इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको बना दीजिए इससे मिला करके, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ तक बताइए, इसको बाहर लिख देते हैं 1.88 किलो न्यूटन। ये बताइए, ये डायग्राम सभी को समझ आ गया? आप चाहें तो साइड में ऐसे हैचिंग कर दिया करें, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आ जाएगा ना डायग्राम कहाँ से कहाँ तक था, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ आपको ये डिज़ाइन मतलब सजाने के लिए है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए, और कोई खास बात नहीं है। अब तक नहीं किया तो आप सिंपल बना सकते हैं या फिर ऐसे दिखा भी सकते हैं। तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 5.88। तो 5.88 इसको भी अलग से ज़रूर लिख दिया करें, मैक्सिमम शियर फोर्स है 5.88 किलो न्यूटन। इतना बताइए, क्लियर हुआ इतना? इसके बाद आते हैं कि इस पर कैलकुलेशन फॉर BMD, इसको रफ कर दें, इसको रफ करते हैं और देखते हैं कैलकुलेशन फॉर BMD। बता दिए, कोई बात नहीं, ये वैल्यू थी, आप याद रखिएगा ना, लिख ही लिया होगा आपने, कैलकुलेशन फॉर BMD। कैलकुलेशन फॉर BMD कीजिए, बी पॉइंट से शुरू करेंगे, लिख भी दीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। क्या लिख दीजिएगा? बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे बेटा जीरो होगा क्योंकि आर बी इंटू जीरो है तो जीरो रहेगा। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर आर बी इंटू सी तक की दूरी, आर बी की वैल्यू कितनी है? 5.88 ऊपर की ओर है, प्लस में लीजिए 5.88 इंटू में सी तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर। फिर माइनस में UDL आएगा, ये वाला UDL टोटल लेते हैं हम 0.5 इंटू 8 से गुणा करके, तो लोड हो गया टोटल, टोटल लोड हो गया कितना? 0.5 इंटू 8। और कितनी दूरी पर काम करता है? मूवमेंट में हम आधी दूरी भी लेते हैं, तो हम सी तक का UDL ले रहे हैं, तो 8 का आधा 4, यहाँ से आधा 4, 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे की ओर सी पर 4 लग रहा है, इसकी दूरी 0 है, सी पर ही हम मूवमेंट ले रहे थे, ठीक है, सी से आगे नहीं जाना है, सी तक ही रहना है। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ कैलकुलेट, टाइम बचेगा, ठीक है, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ रहेगा। 5.88 इंटू में 8, जितना भी आया इसमें से माइनस कर देंगे, कितना है ये? 4 ही हो गया, 4 चौक 16 माइनस कर दीजिए, तो 31.04 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सी के बाद किस पर? डी पॉइंट पर, तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर कितना आएगा दोस्तों? डी पर आर वी इंटू डी तक की दूरी, आर वी इंटू डी तक की, आर वी की वैल्यू 5.88, और डी तक की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों यहाँ से डी तक की? तो 8 तो ये हो गया 5 ही, 8 5 13 है, 13। फिर माइनस में UDL लेंगे, ये वाला UDL कितना है? 0.5 इंटू 8, टोटल लोड है, आधी दूरी पे काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर ये है, लेकिन हमें जाना डी तक, तो 4 और 5 ये, हमें यहाँ सेंटर से डी तक देखना है, डी पे मूवमेंट ले रहे हैं, तो 4 तो ये हो गया और 5 ये वाला, तो 4 5 9, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद कौन सा? UDL के बाद आ गया माइनस का 4 वाला लोड, माइनस का 4 इंटू में डिस्टेंस कितनी है डी तक की? 5 5 ले लिया, फिर माइनस में 2 आ रहा है और दूरी है इसकी 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है ये डी पर, तो 5.88 गुणा 13 है, फिर माइनस में ये 4 हो गया, 4 गुणा 9, फिर माइनस में ये 5 हो गया, सॉरी 4 गुणा 5, ठीक है, बाकी तो ये 0 था पीछे, तो ये 20.44 आ रहा है, 20.44 किलो न्यूटन इंटू मीटर। डी का काम खत्म, डी के बाद ए पर ले लो, ए पर बेंडिंग मूवमेंट दोस्तों 0 आएगा, दोनों सपोर्ट पे क्या रहता है? 0 रहता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, 0 नहीं आएगा तो आप कुछ गलती कर रहे हैं। देखिए आर बी इंटू ए तक की दूरी, आर बी की वैल्यू कितनी है? 5.88 इंटू ए तक की डिस्टेंस 18 हो गया, माइनस में फिर UDL 0.5 इंटू 8, टोटल लोड UDL में 0.5 इंटू 8 लेंगे, सेंटर पर कार्य करता है, सेंटर इसका यहाँ से तक 4 मीटर होगा, लेकिन हम ले रहे हैं ए पर मूवमेंट, तो 4 ये हो गया, 5 5 10 ये, 10 और 4 14 हो गया, 14 आ गया। इसके बाद माइनस का 4 लेंगे, इसको UDL के बाद माइनस का 4 ये वाला है, या नीचे लिख देते हैं माइनस का 4 इंटू में ए तक की डिस्टेंस इस 4 से 10 है, फिर माइनस में ये वाला 2 और ए तक की डिस्टेंस 5 है, फिर आर ए की डिस्टेंस तो 0 है, तो इसको तो 0 ही कर देंगे, ठीक है।
इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जीरो ही आएगा। आप करके देख सकते हैं इसको खुद से कैलकुलेट, ये आपका जीरो ही आएगा। डायग्राम बनाते हैं इसका, कैलकुलेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। नीचे बना दीजिए डायग्राम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डायग्राम बना लीजिए, ये समझ तो आ रहा है ना आपको? अगर सचमुच समझ आ रहा है और सीख पा रहे हैं आप मेरे पढ़ाने से, तो आप ज़रूर लाइक करें क्लास को, दोस्तों में भी शेयर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है, हमें पता रहता है कि बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा है। अच्छा, सारे मूवमेंट पॉजिटिव है ना, तो और नीचे बना देते हैं, थोड़ा साफ दिखाई देगा। यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। बी पर जीरो था, सी पर 31.04 लगभग, यहाँ मान लिया मैंने कितना है, यहाँ पर मान लिया 31.04 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। इसके बाद सी के बाद डी पर कितना है, 20 है, इससे कम रहेगा, मान लो यहाँ मान लिया आपने कितना 20.44 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद फिर ए पर जीरो, यहाँ पर जीरो आ गए। डायग्राम बनेगा यहाँ से, देखिए यूडीएल है तो पैराबोला बनता है, तो यहाँ पर कर्व बनाना है ऐसे, पैराबोला इस तरह से, ठीक है, ये कर्व बना दिया। इसके बाद फिर यहाँ पर आपके पापा का कॉल आ रहा है, इमरजेंसी का, बात करिए भैया, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका पॉइंट लोड है इंक्लाइंड, इसके बाद फिर पॉइंट लोड इंक्लाइंड, इस तरह से, ठीक है। डायग्राम बन गया पॉजिटिव, क्लियर ना? चलिए, तो आप इतना बना लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से, फिर अब अगले क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। और आगे दो क्वेश्चन और हैं, और वे दोनों क्वेश्चन थोड़े से आपको हार्ड लग सकते हैं, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, जहाँ पर भी शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा था, बेंडिंग मूवमेंट वहीं पे मैक्सिमम आता है, लेकिन हम बेंडिंग मूवमेंट ऑलरेडी इसमें लोड लगता था, तो हम निकाल लेते थे सी पॉइंट पे, यहाँ लोड लग रहा था तो हमने यहाँ निकाल लिया था। अब क्या होगा, अब ऐसे पॉइंट पे साइन चेंज करेगा SFD, जहाँ पर पहले से लोड नहीं होगा, तो उस पर अलग से एक्स दूरी मान के हम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने बोला कि अब तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं, इसमें जिस पॉइंट पे SFD साइन चेंज कर रहा था, वहाँ पर पहले से लोड लगा होता था, इसलिए हमारा बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम पहले ही मिल जाता था। अब क्या होगा, साइन चेंज, अब जो दो क्वेश्चन अगले में कराऊंगा आपको, उनमें BMD ये SFD ऐसे पॉइंट पे साइन चेंज करेगा जहाँ पर ऊपर से अलग से कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे हम एक्स दूरी लेकर के, डिफरेंशियल करके, तो वो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, तो ध्यान से समझेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखने में इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर UDL लगा है, लगा तो टोटल लेंथ पर UDL है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहाँ पर ए सिरे से 2 मीटर तक की डिस्टेंस पर लगा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, उसके बाद बीच में लगा है आपका, दो बीच की 2 मीटर तक लगा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, फिर तीसरे 2 मीटर के स्पैन पर लगा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। इस तरह से 3 फोर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, आप इनको नाम दे सकते हैं, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप इसको सी कह दीजिए और इस पॉइंट को डी कह दीजिए, ठीक है, सी डी, इतना क्लियर। अब क्या करना है, ए पॉइंट पर रिएक्शन आर ए और बी पॉइंट पर रिएक्शन आर बी, पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर रिएक्शंस, सेम प्रोसेस से क्वेश्चन करना है आपको, बस देखते चलिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत टफ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। रिएक्शंस ऊपर की ओर लग रही हैं आर ए आर बी, तो ऊपर की ओर हो जाएगा कितना, आर ए प्लस आर बी बराबर आर बी, बराबर नीचे की ओर कितना लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स देख लीजिए, देखिए ये वाला UDL केवल 2 मीटर तक है, तो 10 × 2 कितना 20 हो गया, प्लस में ये वाला 20 × 2 = 40 हो गया, प्लस में ये वाला 10 × 2 यानी 20 हो गया, कितना हो गया टोटल मिला के 80 हो गया। यहाँ से कह सकते हैं आप आर ए प्लस आर बी बराबर 80 बराबर कितना 80 किलो न्यूटन, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद सिग्मा एम ए बराबर 0, ये किससे निकाला है आपने, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से निकाला है। अब किससे निकालेंगे आप, सिग्मा एम ए बराबर 0 से, सिग्मा एम ए बराबर 0 से। अब ए पॉइंट पर मूवमेंट लेना, 0 के बराबर कर देना सबको जोड़ के, तो आर बी ऊपर की ओर है, आर बी और इनटू में ए तक की डिस्टेंस 2 × 2 = 4 × 2 = 6, फिर माइनस में पहला वाला UDL लीजिए, पहला वाला UDL कितना होगा 10 × 2 यानी 20 तो हो गया टोटल लोड। अब ये हमेशा सेंटर पर कार्य करता है, इसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में होगा, बीच में सेंटर होने का मतलब क्या दोस्तों, इधर भी 1 मीटर
और इधर भी एक मीटर, यही तो मतलब है। लेकिन हम मूवमेंट ले रहे हैं ए पर, थोड़ा ध्यान फरमाएंगे। हमने क्या लिया, 10 दूनी 20 का तो यूडीएल ले लिया आपका, बी से सी तक वाला, ये सेंटर पर लगेगा तो सेंटर यहाँ होगा। अभी यहाँ से हमें यहाँ से और ए तक की डिस्टेंस बतानी है, कितनी हो गई, एक और दो तीन और दो पाँच, समझ पा रहे हैं कितनी हो गई, पाँच हो गई, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद बीच वाले यूडीएल पर आ जाओ, बीच वाले यूडीएल कितना है, 20 गुणा दो, टोटल लोड कितना हो गया, माइनस में लेंगे नीचे की ओर, 40 हो गया टोटल लोड। इसकी डिस्टेंस कितनी लेंगे, ये बीच वाला भी अपने सेंटर पर लगेगा, अपने सेंटर का मतलब 2 मीटर था, तो 1 मीटर इस साइड और 1 मीटर इस साइड, यही तो मतलब हुआ। तो यहाँ से मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप लिखना मत, आप डायरेक्टली करना, ठीक है। तो यहाँ से इस सेंटर से और यहाँ तक की डिस्टेंस, एक ये है, दो ये है, 3 मीटर हो गया, 3 हो गया, माइनस का फिर ये वाला यूडीएल, 10 गुणा 2 कितना हो गया, 20 हो गया। इसकी डिस्टेंस ये भी सेंटर पर लगेगा, 1 मीटर इस साइड सेंटर, 1 मीटर इस साइड, तो यहाँ से ए तक की दूरी 1 मीटर है, तो 1। इससे ज़्यादा इजी तरीके से नहीं बताया जा सकता, है सबसे आसान तरीका था, ठीक है, बराबर 0। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सबको, नहीं समझ आया फिर से रिपीट कीजिए, फिर देखिए, ठीक है, आप रिपीट करके देखिएगा, मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब 6RB माइनस कितना हो गया, 20 × 5 = 100 माइनस 4×12 = 120 माइनस 20 कितना हो गया, 20 = 40 240 हो गया। 6RB बराबर 240 किलो न्यूटन, 6 से डिवाइड कीजिए, RB कितना आ गया आपका, यहाँ से 6 से 4 बार कट गया, 40 किलो न्यूटन आ गया, कितना आ गया, 40 किलो न्यूटन आ गया। ये भी सिमेट्रिक लोडिंग का ही केस था। इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर रखेंगे इसको, इधर ले गए तो 80 − 40 40 ही हो जाएगा, RA की वैल्यू भी 40 ही आएगी, ठीक है, सेम रिएक्शन आ रही है दोनों, यानी सिमेट्रिक लोडिंग था। देख लीजिए, इधर भी सपोर्ट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर 10 लग रहा था, सपोर्ट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर 10 लग रहा था, ठीक है, एंड बीच में बिल्कुल 2 मीटर की डिस्टेंस पर ही 20 लग रहा था, सिमेट्रिक लोडिंग का केस था। इतना बताइए क्लियर हुआ। तो मैं ये जो पॉइंट मैंने बनाए थे आपको समझाने के लिए मूवमेंट वाले, इनको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ताकि आप डायग्राम में कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको। चलिए, तो ये रिएक्शन को रफ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम RARB की वैल्यू, RARB दोनों ही सेम आया है, दोनों की वैल्यू 40 किलो न्यूटन है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर रिएक्शन। मैं इसे नीचे रफ करता हूँ और कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स देखते हैं अब, चलिए लिख देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर SFD। SFD के लिए कैलकुलेशन टिल पॉइंट बी से स्टार्ट करना है, करते चलिए। पहले लिखिए शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, टिल पॉइंट बी पर कितना होगा शियर फोर्स, 0 होगा। फिर शियर फोर्स एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर कितना होगा, देख लीजिए ऊपर की ओर RB लग रहा है, बी पॉइंट पे तो RB प्लस में लेंगे ऊपर की ओर है, तो बराबर RB की वैल्यू कितनी है, 40, 40 किलो न्यूटन। अब आ जाओ सी पर, तो शियर फोर्स, देखिए ऊपर से कोई फोर्स तो अलग से लग नहीं रहा, तो टिल और एट दोनों सेम ही आएंगे, मैं डायरेक्ट एट निकाल दूँ, चलिए कन्फ्यूज़ नहीं करते आपको, दोनों ही निकाल देते हैं टिल और एट, ठीक है, या थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए नया करें, सीधे डायरेक्ट निकालते हैं पहले टिल फिर एट, शियर फोर्स टिल पॉइंट सी एंड शियर फोर्स एट पॉइंट सी, दोनों ही निकाल देते हैं। टिल पॉइंट सी पे कितना आएगा, देखो RB तो ऊपर की ओर ही आ गया था आपका 40 यहाँ तक, अब आपको लेना क्या, सी तक लेना, तो यहाँ से यहाँ तक का UDL और आ जाएगा, ये UDL में टोटल लोड कितना होता है, दूरी से गुणा करते हैं तो 20 से सी तक का लोड 20 हो गया, ये तो माइनस 20 और कर देंगे, कितना आ गया ये माइनस, ये आ गया प्लस का 20 किलो न्यूटन। अब सी पर अलग से तो कोई लोड है नहीं, तो यही रहेगा सेम 20 किलो न्यूटन ही, ऐसे डी पर लिखेंगे, डी पर तो शियर फोर्स पहले टिल पॉइंट डी फिर शियर फोर्स एट पॉइंट डी, पहले टिल पॉइंट डी निकालिए, टिल पॉइंट डी मतलब इस पॉइंट तक, तो सी तक तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 20 आया था सी तक, तो अब सी के बाद से देखिए, सी के बाद से डी तक कितना आ रहा है, 20 × 40 और आ रहा नीचे की ओर, तो -40 हो जाएगा दोस्त, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 20 किलो न्यूटन, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद डी पॉइंट पर अलग से कोई लोड और है नहीं, तो माइनस का 20 ही रहेगा किलो न्यूटन। इसके बाद आ जाएंगे किस पर, ए पर, तो शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, तो डी तक तो हम निकाल चुके, माइनस का 20 आ गया था हमारा डी तक, अब डी के बाद हमें जाना है ए पर, तो ये वाला UDL और माइनस हो जाएगा नीचे की ओर है, तो माइनस में कितना हो गया, 10 × 20 = 20 और माइनस कर दिया, कितना आ गया माइनस का 40 किलो न्यूटन। अब एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए,
एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा माइनस का 40, तो ये आ गया टेल पॉइंट ए तक, अब प्लस में लग जाएगा ऊपर की ओर, आर ए प्लस में है, आर ए की वैल्यू कितनी है तो माइनस का 40 और प्लस का 40, आर ए भी आपका 40 था तो बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, समझ आया। चलिए डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम बना लीजिए, फिर इसका बी एम डी देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही दो तीन लेक्चर और दे दूंगा आपको, उसके बाद फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी एस एफ डी बी एम डी में। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। पहले बी पर जीरो था, जीरो, फिर बी पर 40 मान लिया, यहाँ तक आ रहा है 40 किलो न्यूटन। ठीक, इसके बाद सी पर आ जाओ, पहले सी पर 20 है, 20 इसका आधा जस्ट यहाँ तक कर लिया मान लो 20 किलो न्यूटन। फिर सी पर सेम ही है, 20 रहेगा ये। इसके बाद सी के बाद जस्ट किस पे आना है आपको, फिर सी पर सेम था, डी पर माइनस 20, डी पर नीचे आ जाओ, यहाँ पर माइनस जितना ऊपर लिया यहाँ पर सेम उतना ही, यहाँ पर माइनस का 20 किलो न्यूटन। और पहले टिल पॉइंट है, ये भी सेम है इतना ही, टिल पॉइंट है कितना है नहीं, डी पर तो इतना ही था, दोनों जगह 20 20, कोई दिक्कत नहीं। ए पर माइनस 40 है बेटा, इसका डबल कर दो जस्ट, मान लो यहाँ तक आ रहा जितना वहाँ था इतना सेम, माइनस का 40 किलो न्यूटन। फिर ए पर कितना, जीरो। फिर से दिखाते हैं आपको, पहले बी के दोनों दिखाओ, जीरो और 40, जीरो और 40 हो गए बी वाले पॉइंट पर। सी पॉइंट पर कितना था, सी दो है, ये वाले दोनों पर 20 20 था, हमने सीधे 20 लिख दिया, प्लस का था लाइन से ऊपर लिखा। इसके बाद डी पर आ जाओ, -20 -20 है तो नीचे लिखेंगे लाइन से -20। ठीक, ए पर -40 और जीरो है तो -40 और जीरो है, सबको मिलाना है, पहले जीरो से 40 मिलाइए, ये मिल गया। इसके बाद 40 से 20 पाएंगे, यूडीएल लगाए, इंक्लाइन चलेंगे एस एफ डी में ऐसे। ठीक है, ऐसे मिला दिया आपने यहाँ पर। इसके बाद आना आपको सी से डी पर, सी से डी ये है, यूडीएल है बीच में सी और डी का, तो इंक्लाइंड ए यहाँ से इसको मिलाना है, ऐसे मिला दिया। इसके बाद फिर यहाँ से 40 पर ये भी इंक्लाइंड, ऐसे मिला दिया। ठीक है, फिर इसको जीरो से मिला दो, यस, तो ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, 20 को बाहर लिख देते हैं, यहाँ पर 20 था पॉजिटिव, ये प्लस ये नेगेटिव माइनस। मैक्सिमम शियर फोर्स 40 आ रहा है, कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो यहाँ पर आप 40 लिख सकते हैं मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू, 40 किलो न्यूटन। इतना क्लियर हुआ ना, डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिएगा, स्केल से खींच के ऐसे, फिर यहाँ से इस पॉइंट को मिला दीजिएगा, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिएगा इस तरह से, तो एक प्लस एक माइनस, ये डायग्राम आपको बन के तैयार हो जाएगा। इतना बताइए, क्लियर हुआ ना, समझ आ गया सभी को, तो यस बिल्कुल सेम ऐसा ही बन रहा डायग्राम, आपकी बुक में भी देख लीजिएगा। इसको हटाएं, अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ऊपर से अलग से कोई लोड नहीं लग रहा, इसलिए इस पॉइंट पर भी आपको मोमेंट चेक करना पड़ेगा निकाल के, जो कि मैक्सिमम आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये टफ लगने लगता है बच्चों को, क्योंकि एक्स दूरी पर मूवमेंट लेते हैं इसमें। मैं इसको रफ करता हूँ और देखते हैं कैलकुलेशन फॉर बी एम डी की कैलकुलेशन, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सही, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ कराएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, ये हमारा वादा है। कैलकुलेशन फॉर बी एम डी के लिए कैलकुलेशन में वही चीज़ से, हम एंटी क्लॉक वाइज वाला प्लस, क्लॉक वाइज वाला माइनस। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, या सिंपल ऊपर वाला प्लस, नीचे को जो आएगा वो माइनस। चलिए लिखेंगे पहले बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर जीरो रहेगा, आर बी इंटू जीरो हो जाएगा डिस्टेंस, तो जीरो रहेगा। ठीक है, इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर कितना है, सी ये वाला पॉइंट है, इस पर लीजिए, तो एक तो ऊपर की ओर ये आ गया आपका आर बी, जो कि प्लस में रहेगा, आर बी की वैल्यू कितनी है, 40 है, ये रही 40, इंटू में सी तक की डिस्टेंस लेंगे 2 मीटर है, 2 मीटर आ गया। फिर माइनस में यू डी एल कितना रहा है, 10 गुणा 2, कितना बेटा 10 गुणा 2, 20 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, ये लिख देते चलो 10 गुणा 2, ये तो टोटल लोड हो गया। और यू डी एल में जब हम बेंडिंग मूवमेंट लेते हैं तो आधी दूरी से गुणा करते हैं, बी से सी तक यू डी एल था 2 मीटर पर, आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर कितना आ गया, 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बताइए समझ आया, तो सी तक इतना ही मूवमेंट आएगा, सी से आगे नहीं जाना, सी तक आर बी इंटू सी तक की दूरी, और माइनस में 20 इंटू में सेंटर तक 1 मीटर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया, 80 हो गया इधर, 80 माइनस में 20 कितना बचेगा, 80 में से 20 घटा देंगे, 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर आया। इसके बाद आ जाओ बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट,
अब सी के बाद कौन सा पॉइंट आ गया, डी, डी पर निकालिए बेंडिंग मोमेंट, डी पर, डी पर निकालेंगे तो आर बी इंटू डी तक की दूरी 4, फिर माइनस में ये वाला लोड कितना 20 इंटू सेंटर से यहाँ तक की दूरी 3, फिर माइनस में ये वाला लोड सेंटर से यहाँ तक की दूरी 1, इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डी पर मूवमेंट आर बी की वैल्यू 40 थी, 40 इंटू डिस्टेंस कितनी है डी तक की, 2 और 2 4 हो गया, ध्यान से समझेंगे। माइनस में अब आ गया पहला वाला यूडीएल, पहला वाला यूडीएल ये वाला है दोस्तों, 10 × 20 यूडीएल है, टोटल लोड कितना है 10 × 2 = 20 हो गया यूडीएल ये वाला। अब ये यूडीएल, इतना वाला यूडीएल अपने सेंटर पे काम करेगा, इधर भी 1 मीटर इधर भी 1 मीटर, यही तो होगा। तो हमें इस सेंटर से कहाँ तक जाना है, डी पॉइंट तक जाना है, तो इस सेंटर से डी तक कितना होगा, 1 ये और 2 ये 3 हो गया, 3 हो गया, वेरी गुड। इसका इधर का यूडीएल खत्म, अब इस वाले यूडीएल पे आ जाओ, इस वाले पर ये यूडीएल कितना, माइनस का कितना हो जाएगा 20 × 2 यूडीएल है। डिस्टेंस कितनी लेंगे आप, ये भी सेंटर पर लगेगा अपने, तो इस सेंटर से डी तक जाना है, डी तक, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा 1। यहाँ तक बताइए समझ आया, डी तक बस यही लोड थे, तीनों लोड आ गए, पहला लोड 40 4, फिर माइनस में 10 × 20 और सेंटर से यहाँ से दूरी यहाँ तक की तो 1 और 2 3 ये आ गया, फिर माइनस में ये वाला 20 × 40 इंटू में दूरी सेंटर से यहाँ तक 1, ठीक है। हमेशा यूडीएल सेंटर पर लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 4 × 16 160 माइनस 3 × 6 60 माइनस 20 × 40 40, तो 100 माइनस कर दिया 60 बचेगा, ये भी आपका 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। डी के बाद अब ए पॉइंट पे निकालेंगे, ए पर 0 आएगा, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे निकालिए आर बी इंटू ए तक की दूरी, आर बी की वैल्यू बेटा 40 है, ए तक की डिस्टेंस 6 है, फिर माइनस में पहला वाला यूडीएल 10 × 20 20 और सेंटर से यहाँ, सेंटर से यहाँ से 1 मीटर ये है, 1 और 2 = 4 = 5 हो गया, फिर माइनस में ये वाला यूडीएल 20 × 40 और डिस्टेंस सेंटर पर 1 और 2 = 3 हो गया, फिर माइनस में ये वाला यूडीएल 10 × 20 दूरी सेंटर से यहाँ तक 1 हो गया। आर ए इंटू 0 है, वो 0 ही रहेगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 0 ही आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया 0, अब करके देख लेना ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, हमने सब पॉइंटों पर निकाल दिया मूवमेंट, लेकिन इस पॉइंट पर निकालना जहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ, सपोज ई पॉइंट है ये, क्या इधर ए बी सी डी हो गया, तो अब ई पॉइंट ले लेंगे हम, ई पॉइंट, थोड़ा ध्यान से करना है, बहुत ज़्यादा है ना। इस 20 को यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, ये आप लिख लीजिएगा 20 था ये वाला पॉइंट, इसको ऊपर ले गया यहाँ पर, और यहाँ पर नाम दे दिया क्या ई, इस ई पॉइंट का हम मूवमेंट लेंगे, तो ई पॉइंट वाली मैंने इधर से सपोर्ट बी से एक्स दूरी पर है, कितनी पर, एक्स दूरी पर, तो अब ये चीज़ लिख जरूर देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, एस एफ डी ने सी डैश पर ई डैश, इसको डैश कह दीजिएगा, एस एफ डी ने ई डैश पर साइन चेंज किया है, लिख दें यहाँ, एस एफ डी ने ई डैश, यानी ई डैश पॉइंट पर, पॉइंट पर साइन चेंज किया है, इसलिए ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो अब ई पॉइंट पर निकाल दीजिए बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए ई पॉइंट पे मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर एम ई निकालेंगे, एम ई मैं डायरेक्ट लिख दिया, एम ई मतलब ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, आर बी इंटू ई तक की दूरी एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आर बी की वैल्यू 40 थी, ई तक की डिस्टेंस एक्स, 40 × एक्स, ठीक। इसके बाद पहला वाला यूडीएल ये वाला, टोटल लोड कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 10 × 20 हो गया, लोड माइनस में आएगा नीचे की ओर है तो 20 तो हो गया टोटल लोड। अब दूरी सेंटर पे काम करेगा ये अपना, सेंटर इसका यहाँ होगा, यानी इधर भी 1 मीटर इधर भी 1 मीटर, तो हमें यहाँ से लेकर बेटा ई तक की दूरी लेनी है, यहाँ से ई तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक एक्स है और हमें निकालनी है ये दूरी, तो एक्स में से 1 मीटर कम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा एक्स माइनस ए। दोबारा समझो, यूडीएल था 20, हमने 20 ले लिया, हमें इसके सेंटर, यूडीएल हमेशा ही 20 वाला अपने सेंटर पर लगेगा, इसका सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब 2 मीटर का आधा, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो हमें यहाँ पॉइंट इस सेंटर से और ई तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इस एक्स में से इधर का 1 निकाल दो तो ये वाली दूरी मिल जाएगी एक्स माइनस ए। बोलिए समझ आ गया, एक्स माइनस ए, मैं यहाँ इंटू लगा दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई की जगह इंटू, ठीक है। इसके बाद आगे दूसरे आगे वाले यूडीएल पर, तो माइनस में अब आगे वाला यूडीएल कितना है,
अब ये वाला यूडीएल केवल सी से और ई तक का लेना है यूडीएल। इतना यूडीएल कितना है ये दूरी बता दो, ये वाली ये दूरी कितनी होगी, ये वाली ये दूरी होगी इस एक्स में से, इस दो को माइनस कर दो इधर वाले को, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का एक्स माइनस टू, तो ये बीस इंटू एक्स माइनस टू हो गया, क्या हो जाएगा बीस इंटू में एक्स माइनस टू, ये तो टोटल लोड हो गया। और दूरी का आधा करते हैं, तो दूरी का आधा कर दीजिए, इस एक्स माइनस टू का आधा कितना हो जाएगा आपका, ये एक्स माइनस टू बाई टू, ये हो गया इस पॉइंट पर मूवमेंट। ई पॉइंट पर मूवमेंट समझ आया कैसे लिया है, एक बार फिर समझेंगे, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, अगर यहाँ गलती हुई तो फिर आगे बहुत गलतियाँ होंगी। फिर से आर बी की वैल्यू 40 थी, आर बी की वैल्यू 40 थी, तो आर बी और इंटू ई तक की डिस्टेंस ये वाली एक्स हो गई। फिर माइनस में पहला वाला यू डी एल जो कि 10 दूनी 20 है, पहला यू डी एल इस 20 के सेंटर से लेकर के और ई तक की दूरी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अब खुद देख लीजिए, यहाँ तक एक मीटर है, यहाँ तक एक्स था, तो इस एक्स में से एक मीटर निकल गया, तो ये बच गया एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन आ गया। अब अगला वाला यू डी एल, अगला यू डी एल कौन सा, यहाँ तक तो ले चुके आप, अब ये सी से ई तक का यू डी एल 20 वाला है, तो सी से ई तक का यू डी एल 20 इंटू ये दूरी है एक्स में से दो माइनस कर देंगे इधर वाला, ये तो यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा एक्स माइनस टू, तो 20 इंटू एक्स माइनस टू टोटल लोड हो गया। और सेंटर पर कार्य करते तो इसका सेंटर यहाँ होगा बीच में, जो कि यहाँ से ई तक की दूरी एक्स माइनस टू का आधा हो जाएगा। बेंडिंग मूवमेंट आ गया, अब क्या करेंगे, आपको पता है आपने पढ़ा था बेंडिंग मूवमेंट के परिवर्तन की दर सीयर फोर्स के बराबर होती है, लेकिन जिस पॉइंट पर साइन चेंज हुआ इस पॉइंट पर सीयर फोर्स जीरो रहता है, इसलिए डीएम अपॉन डीएक्स बराबर जीरो करेंगे। अब डीएम अपॉन डीएक्स बराबर जीरो का मतलब इसका पहले करना पड़ेगा डिफरेंशियल, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज करके, ताकि मैं आपको आगे यहाँ पर डिफरेंशियल करके इसका दिखा सकूँ, ठीक है। चलिए यहाँ वैल्यूज मैं चलो बुक से देख के कर दूंगा, कोई बात नहीं, मिटा दी मैंने वैल्यू यहाँ से, आपने लिख ली होंगी, आप डायग्राम बना लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे डी एम अपॉन डी एक्स, एम मतलब ई पॉइंट वाला एम, तो इसका डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 40 आएगा, माइनस इसका ये तो आ गया 20 कॉन्स्टेंट है, अंदर का करेंगे तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0 डिफरेंशियल, ठीक है। फिर माइनस में ये 20 और 2 काट देंगे, 10 टाइम कटेगा, ये 10 बार कट गया, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो जिसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल 2 और एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये कट गया, ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को आगे ले आए, एक्स माइनस 2 हो गया डिफरेंशियल, इतना आप सबको आता होगा ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया ये आपका 40 माइनस ये 20 हो गया, माइनस ये 20 अंदर गुणा कर दो 20x हो गया, और माइनस माइनस प्लस का हो गया कितना, ये 20 दूनी 40, समझ आया। तो यहाँ से 20x को इधर ले आओ, अब देखिए चूंकि हमने बताया था जीरो होता है ये, तो साइड में लिख दीजिएगा चूंकि dm अपॉन dx बराबर जीरो होता है, इसको रख देंगे यहाँ पर जीरो रख देंगे, इसको इस साइड ले आओ, तो 20x हो गया पॉजिटिव, इधर आके देखो 40 40 80 80 में से 20 घटाएंगे 60 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 3 मीटर, डिस्टेंस है ना ये, तो x आ गया आपका 3 मीटर, इस 20 को इधर ले आए ना, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस 3 मीटर है, इस 3 मीटर को आप इसमें पुट कर दीजिए, जो आपने यहाँ पर इक्वेशन बनाई है, इसको दो इक्वेशन नाम दे सकते हैं, यहाँ पर पुट कीजिए, तो लिख देंगे यहाँ पर पुट इन इक्वेशन टू, जब आप इसको इक्वेशन टू में रखेंगे तो वैल्यू देख लीजिए क्या आएगी, यहाँ से एम ई की वैल्यू 40 इंटू में 3, फिर माइनस में 20 और इंटू में 3 माइनस 1, फिर माइनस में ये 10 बार कटा था 10, और ये x माइनस 2 का स्क्वायर है, x की वैल्यू 3 और माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12 120 माइनस ये 2 बचेगा 40 20 दूनी 40, फिर माइनस 1 का स्क्वायर ये हट जाएगा पूरा 10 आ गया, वैल्यू कितनी आई इसमें से 30 माइनस कर 50 माइनस कर दीजिए, इसमें से 120 में से 50 माइनस करेंगे 70 आ जाएगा, 70 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। क्या आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब वैल्यूज क्या क्या आई थी तो मैं आपको लिख देता हूँ, पहली वैल्यू हमारी जीरो थी, फिर 60 मतलब इस पर मैं यहाँ लिख दूँ, किधर लिखे हैं ऊपर से रफ कर रहे हैं, ये समझ गए ना आप लोग कैसे किया है, इसको आप लिख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के, नीचे से हटा दूँ इसे, ठीक है। मैं पॉइंट बता दूँ बेंडिंग मोमेंट क्या क्या आए थे, बी पॉइंट पर पहले आया था जीरो, फिर निकाला हमने सी पॉइंट पर जो कि आया था 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर, फिर हमने डी पॉइंट पर निकाला था ये भी 60 आया था, ये आपको पता होगा आपने पीछे नोट कर लिया होगा ये जीरो, और अभी हमने ई पर निकाला है, ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर सबसे ज़्यादा आया है 70 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये ज़्यादा ही होना चाहिए अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। चलिए डायग्राम बना लेते हैं इसका, आप डायग्राम देख लीजिए,
यहाँ पर भी खींच लीजिए इनको, ठीक। आप स्केल से खींचेगा, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो परेशान मत होइएगा। यहाँ से ये लाइन खींच दी, इसके बाद पहले जीरो है, फिर कितना है इस बी पॉइंट पर, बी पर नहीं, बी पर तो जीरो था, मूवमेंट है ये तो। इसके बाद सी पर 60 है, 60 ले लो सी पर, सपोज यहाँ आ गया 60। इसके बाद डी पर भी 60 है, डी ए वाला, ये तो बीच में ई है, डी इसके बिल्कुल सीध में यहाँ आ गया 60। ये भी कितना आ गया 60। यूनिट लिख दीजिएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ भी किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जीरो था एंड ई पॉइंट पर ज़्यादा है 70, दोनों के बीच में आएगा, मान लो 70 यहाँ था, 70 किलो न्यूटन इंटू मीटर, समझ पा रहे हैं। डायग्राम देखिए, यूडीएल लगा है, पैराबोला बनेगा, यहाँ भी पैराबोला, यहाँ भी पैराबोला, यहाँ भी पैराबोला, यहाँ भी पैराबोला, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया बीएमडी और पॉजिटिव बनेगा। मैक्सिमम कितना है 70 किलो न्यूटन इंटू में मीटर, ये आपसे पूछा भी था क्वेश्चन में, तो सिंपल था, आराम से कर लिया हमने, समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। एसएफडी बीएमडी इसका कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो दोबारा से कीजिएगा, नहीं समझ आता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ये वाला डाउट है, मैं अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जिसमें हम ऐसा ही एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ऐसे पॉइंट पर एसएफडी साइन चेंज करेगा जहाँ पर कि ऊपर कोई अलग से पॉइंट नहीं होगा, जहाँ पर कोई लोड नहीं होगा, वहाँ पर एक्स दूरी मान के मूवमेंट लेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और अगले लेक्चर में हम यूबीएल का और मूवमेंट का, कपल का, जैसे भी अदर क्वेश्चंस रह जाएंगे उन सबको अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, इसको लिख लीजिए। तो देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में दो बार रिपीट हुआ, 2005 में, 2010 में, यूके में 2014 में आया था ये सेकेंड शिफ्ट में मैकेनिकल वाले में, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये सिंपली सपोर्टेड बीम का, इसमें आपको इसके एसएफडी बीएमडी बनाने हैं और साथ में मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी बतानी है। ए पॉइंट पर रिएक्शन आर ए और बी पॉइंट पर रिएक्शन आर बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर रिएक्शंस, अब तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए थोड़ा सा, और हो सके तो मेरे साथ साथ कीजिए सॉल्व। सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो से करेंगे पहले, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो से। ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहे हैं उन्हें पॉजिटिव, नीचे की ओर वाले फोर्स को नेगेटिव, या फिर ऊपर की ओर वाले फोर्स एक तरफ बराबर नीचे की ओर वाले दूसरी तरफ। आर ए आर बी ऊपर की ओर हैं, इनको एक तरफ लिख दिया आपने, आर ए प्लस आर बी, या तो माइनस में लिख लो नीचे की ओर वालों को, फिर बराबर जीरो करेंगे इस साइड ले जाएंगे तो वो भी प्लस हो जाएंगे, या मैं डायरेक्ट बराबर में लिख देता हूँ नीचे की ओर। कौन कौन से है, ये पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड है, इन्हें डायरेक्ट लिख देंगे। पहले 15 है पॉइंट लोड, ये डायरेक्ट लिख दिया, 5 है पॉइंट लोड, ये डायरेक्ट लिख दिया, प्लस यूडीएल में दूरी से गुणा करके लिखेंगे, यूडीएल कितना हो जाएगा 2 × 3, टोटल लोड 6 हो गया, दूरी से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको 2 × 3 करके इस तरह से, ये यूडीएल वाला था, आपको याद रहेगा इस तरह। तो आर ए प्लस आर बी कितना आ गया, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 15, 5, 20, 6, 26 किलो न्यूटन, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद आगे सिग्मा एम ए बराबर जीरो, सिग्मा एम ए बराबर जीरो से, अब सिग्मा एम ए बराबर जीरो कीजिए, तो ए पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे तो ऊपर की ओर आर बी है, प्लस में लेंगे ऊपर की ओर वाले को, ऊपर की ओर आर बी है ना प्लस में, तो आर बी और इनटू में ए तक की डिस्टेंस 1, 3, 4 और 1, 5, 5, फिर माइनस में पहला वाला पॉइंट लोड 15 है, पॉइंट लोड 15 और ए तक की डिस्टेंस यहाँ से ए तक 3 और 1, 4, फिर माइनस में अब आ गया यूडीएल, यूडीएल टोटल हो जाएगा 2 × 3, ये तो लोड हो गया, ठीक है 6 हो जाएगा। अब दूरी हमेशा मूवमेंट में आधी दूरी से गुणा और करते हैं, आधी दूरी का मतलब यूडीएल ये वाला है सेंटर पर लगेगा, यहाँ पर सेंटर का मतलब 3 का आधा, 1.5 हो जाएगा ये वाला। अब देखिए 1.5 मीटर हो गया इधर, 1.5 मीटर हो गया इधर, यही तो मतलब हुआ सेंटर का, 3 का सेंटर यहाँ, लेकिन हम मूवमेंट ले रहे हैं दोस्तों ए पर, तो हमें जाना कहाँ तक है, ए तक जाना है, तो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक 1.5 और प्लस में 1 ये हो गया, तो कितना हो गया 2.5। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना करें आप कि केवल 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें कि 3 का आधा तो 1.5 होता है, हमें ध्यान रखना है कि हम किस पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं, जिस पर ले रहे हैं वहाँ तक की दूरी देखनी है,
ये सही बात है कि सेंटर पर लगता आधी दूरी लेंगे, बट हमें ए तक जाना है तो इस दूरी को और ऐड करेंगे इसमें, तो 1.5 प्लस 1 डेट मीन्स 2.5, क्लियर ना। इसके बाद इस पर आगे पॉइंट लोड पर, तो माइनस का 5 है ये पॉइंट लोड, अब पॉइंट लोड में दूरी टोटल लेंगे, यहाँ 5 से ए तक की दूरी 1, ठीक है, प्लस में फिर ऊपर की ओर है, प्लस में लेंगे आर ए, दूरी इसकी 0 है, बराबर रखेंगे 0 के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 आर बी माइनस 15 का टेबल चार बार पढ़िए, तो 15 4 जा 60 माइनस, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 का ढाई गुना कीजिए तो 6 का दो गुना होता है 12, 12 और 3 15 हो जाएगा ये, ठीक है, 15 माइनस 5 एक 5 हो गया, ये तो 0 हो गया, बराबर 0, तो कर लीजिए, ये आ गया 5 आर बी बराबर, ये हो गया 20, और 60 और 20 होता है 80, कितना 80 किलो न्यूटन, तो इसको इधर ले जाइए, अभी किलो न्यूटन में लिखिए, 5 से डिवाइड कीजिए, आर बी कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 एक 5 5 6 30 16 5 80 16 किलो न्यूटन आ गया आर बी की वैल्यू। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब यहाँ पर रखेंगे आप तो आर ए यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस आर बी को इधर ले जाओ, 26 माइनस 16 26 माइनस 16 यानी 10 किलो न्यूटन, कितना आ गया दोस्तों 10 किलो न्यूटन। ऊपर आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यूज, आर ए आ रहा है आपका 10 किलो न्यूटन एंड आर वी आया है, आर बी आया है 16 किलो न्यूटन, बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आर ए और आर बी की वैल्यू का। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करने से मतलब क्या है, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स और कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। रिएक्शन के बाद कैलकुलेशन फॉर एस एफ डी या केवल शियर फोर्स भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। कैलकुलेशन फॉर, वैसे ज़्यादा सही एस एफ डी रहेगा, यानी कर्तन बल आरेख के लिए गणना कीजिए। टिल पॉइंट बी से स्टार्ट करना है इसको, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी करते चलिए। शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, टिल पॉइंट बी जीरो रहेगा शुरुआत में, फिर एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, ऊपर की ओर लग रहा है आर बी, पॉजिटिव होगा, और आर बी की वैल्यू आप देख लीजिए 16 है, तो 16 किलो न्यूटन आ गया बी पर। अब आएंगे टिल पॉइंट सी, बस टिल और एट निकालते जाइए, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। टिल पॉइंट सी, फिर इसके बाद एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी, तो यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं, जितना बी पर आ रहा था 16 था, 16 ही रहेगा सेम, ये वाला यहाँ तक कोई लोड बीच में है नहीं, अब ऐड करेंगे तो 16 तो ये आ गया टिल तक, माइनस में नीचे को 15 और आ रहा है ये 15, कितना बचेगा दोस्तों 1 किलो न्यूटन, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके खुद से भी करके देख लिया करें, फिर उसको वीडियो को आप चालू करके लास्ट में रन करके देख लिया करिए यहाँ तक कि आपका सही है या गलत, या फिर आप पूरा चेक कर लीजिए कैसे कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको और ज़्यादा हेल्प होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद भी कर पा रहे हैं। सी के बाद आएंगे डी पर, पहले टिल पॉइंट डी, शियर फोर्स टिल पॉइंट डी, टिल पॉइंट डी का मतलब देखिए सी से डी तक आना, सी तक तो आप देख चुके एक आया था, 1 किलो न्यूटन हो गया था, ये किलो न्यूटन यहाँ पर लिखो 1 हो गया था। अब इसके बाद ये माइनस यूडीएल और माइनस हो जाएगा, यूडीएल माइनस में हमें लोड लेना है, तो टोटल लोड 2 × 3 होगा, 2 × 3, मूवमेंट तो ले नहीं रही कि हम आधी दूरी से गुणा करेंगे, यहाँ फोर्स ले रहे हैं शियर फोर्स, तो केवल लोड लेना है, ठीक है। कितना हो गया ये टिल पॉइंट डी तक हो गया, इसको लेंगे नहीं, इसको एट में लेंगे, तो कितना हो गया आपका एक ये है माइनस 6, तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस 5 किलो न्यूटन, क्लियर। इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी कितना हो जाएगा, माइनस 5 तो टिल आ गया ये, माइनस में नीचे को 5 हो रहा है ये, माइनस में 5 ही है, तो कितना हो गया माइनस का 10 किलो न्यूटन, क्लियर। अब डी से ए तक कोई फोर्स नहीं, सेम रहेगा टिल पॉइंट ए, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, टिल पॉइंट ए भी यही रहेगा माइनस 10, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं आ रहा। इसके बाद लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, माइनस 10 तो ये है, और ए पर ऊपर की ओर लग रहा है आर ए, तो प्लस में आर ए कर देंगे, और आर ए की वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए, ऊपर आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू 10 है, 10 रख दिया बराबर क्या आ गया 0, बराबर 0, 0 से स्टार्ट किया 0 पे ख़त्म हो गया, डैट मीन्स बिल्कुल सही है। डायग्राम, डायग्राम, डायग्राम बनाइए, स्केल से बनाना, लगना चाहिए कि आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, ये नहीं कि हमने बनाया है, हम टेढ़ा बना सकते हैं यहाँ पर, फ्री हैंड बना रहे हैं ना, इसलिए ये लाइन खींच दी। इस पर पहले 0,
फिर 16 आई थिंक सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर ले लो इसको, 16 मान लो, यहाँ तक ले लिया आपने 16 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, 16 पहले फिर एक हो गया, पहले तो इसके सेम जितना सी पॉइंट पर, नहीं पहले जीरो था फिर 16 हो गया, 16 है फिर एक हुआ है, ठीक है, हाँ सही तो है, पहले 16 इसके सीध में बिल्कुल 16 किलो न्यूटन, इसके बाद एक मतलब यहाँ मान लो 1 किलो न्यूटन यहाँ मान लिया आपने, ठीक है। सी का काम खत्म हो गया, रेड पेन से दिखा देंगे ज़्यादा अच्छा दिख जाएगा, डिफरेंट दिखा, पॉइंट लगा दे रहे सिर्फ यहाँ और यहाँ, ठीक है ये। इसके बाद आ जाओ किस पर, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर पहले कितना -5 फिर -10 मतलब नेगेटिव है, पहले -5 इससे तो ज़्यादा रहेगा, -5 माइनस का 5, इसके बाद फिर ये मार्कर ना ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है, -5 किलो न्यूटन। इसके बाद डी पर अगला कितना था -5 के बाद, -10 इसी पे ले लेंगे, इसका जस्ट डबल कर दीजिएगा, मान लो यहाँ तक आ गया -10 किलो न्यूटन, इससे ज़्यादा ये ना 16 नहीं जा तो और ज़्यादा कर लो यहाँ तक, ठीक है यहाँ मान लो, चलिए इसके बाद फिर इस पर भी -10 जब सामने रहेगा यहाँ पर -10, ठीक -10 और किलो न्यूटन और लिख दीजिएगा -10 किलो न्यूटन, इसके बाद फिर 0, इन सब को मिला दीजिए आपस में, इन सब को आपस में मिला दीजिए, तो पहले तो मैं इससे बना देता हूँ, 0 से गए 16 पर यहाँ तक, ठीक है 0 से 16 पर ये आ गए, इसके बाद पॉइंट लोड है सीधे चलेंगे, यहाँ मान लीजिएगा यहाँ था ये, ठीक यहाँ आ गए, इसके बाद फिर नीचे आएंगे एक तक आ गए, ठीक है ना, यस ये आपका रेक्टेंगल बन गया पॉइंट लोड के केस में। इसके बाद इस एक से कहाँ आना है आपको, 5 पर, तो ऐसे चलेंगे इंक्लाइंड, यूडीएल आ रहा बीच में, वैसे भी यहाँ पहुँचना तो इंक्लाइंड ही हो जाएंगे आप, ठीक है थोड़ा और इधर जाता है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, बिल्कुल बीच में जाएगा दोनों के ऐसे, ठीक है यस 5 तक, इसके बाद फिर नीचे यहाँ तक, हालांकि बीच में नहीं सही जा रहा था, 5 ज़्यादा होगा ना यहाँ से, तो ये सही जा रहा था, हमारा डायग्राम नीचे ही आएगा थोड़ा, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना है ना, गलती ना होनी चाहिए, यहाँ 5 था तो ये सही ले जा रहे थे हम, बिल्कुल यहीं से पास होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आ गए यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो क्या बन गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, बोलिए इतना समझ आया, और यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ये डायग्राम बन रहा है, और डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, यस एकदम राइट है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना सभी को, ये आपका क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम। आप स्केल से खींचिएगा थोड़ा सही से तो आप और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब इसका BMD देखते हैं, इसको रफ कर दें और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और देख लेते हैं। चलिए मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू पूछी गई थी कितनी आई है, मैक्सिमम शियर फोर्स सबसे ज़्यादा कितना है, 16 है 16, तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपका 16 किलो न्यूटन आ गया, आप आंसर में लिख दीजिएगा, ठीक है रफ कर दें इसको। अब लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बी एम डी यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है चेंज करके यहाँ, कैलकुलेशन फॉर BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कीजिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी पॉइंट से स्टार्ट करना है, पहले लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर 0 होगा, फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर, तो ऊपर की ओर RB है, RB इंटू सी तक की दूरी, RB की वैल्यू 16 थी, इधर देख सकते हैं 16 इंटू सी तक की दूरी कितनी है, 1 है, फिर सी पर -15 आ रहा है, लेकिन इसकी दूरी 0 हो जाएगी सी तक की, तो कितना आ गया आपका ये 16 आ गया किलो न्यूटन इंटू मीटर, इतना क्लियर हुआ। अब सी के बाद डी पर आ जाओ, डी पर तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी, यहाँ देखते रहिएगा सामने, ठीक है डी पॉइंट ये है, तो सी यहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से डी तक जाना है, तो पहले ऊपर की ओर RB इंटू डी तक की दूरी, RB की वैल्यू 16 थी और डी तक की दूरी कितनी है, 3 और 1 चार हो गई, ठीक इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ इसको, ठीक इसके बाद RB इंटू डी तक की दूरी, फिर माइनस में 15 है, और इसके लिए दूरी ले लो डी तक की, 15 से डी तक की दूरी 3 मीटर है, 3 हो गई, फिर माइनस में UDL कितना आया, 3 दूनी 6, टोटल लोड UDL का 6 हो जाएगा,
इनटू डिस्टेंस हमेशा सेंटर पे लगता है, सेंटर पे मतलब यहाँ बीच में, तीन का आधा डेढ़ होगा, यहाँ से यहाँ तक डी तक ही जाना है, डेढ़ हो गया 1.5, और तो कोई लोड है नहीं डी तक, नीचे की ओर पाँच लग रहा है, इसकी दूरी जीरो होगी, तो माइनस फाइव इंटू जीरो मतलब जीरो ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया, ये 16 का चार बार मल्टीप्लाई कीजिए 64 होता है, माइनस 15 का तीन बार 45, माइनस 6 का डेढ़ गुना 9, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा निकल के यहाँ से, ये तो जीरो हो गया था पीछे, इसको भी दिखा देते हैं, इसको हटाई दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जीरो वाले को, ये कितना हो गया, तो 45 और 9 54 10 10 बचेगा, ये 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो ये हो गया 54, 64 में से 54 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। डी के बाद ए पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर जीरो आएगा, ठीक है, दोनों सिरों पर जीरो होता है हमें पहले से पता है, तो आर बी 16 है इंटू ए तक की डिस्टेंस, 16 इंटू ए तक की डिस्टेंस है आपकी चार नहीं पाँच, पाँच माइनस, फिर ये 15 और ए तक की डिस्टेंस चार, 15 इंटू फोर, फिर माइनस यू डी एल, तीन दूनी छः यू डी एल है, ए तक की डिस्टेंस, ए तक की, तो ये सेंटर से यहाँ से ए तक की डिस्टेंस डेढ़ तो ये हो गया और एक ही है, डेढ़ और डेढ़ एक 2.5 हो गया ना, 1.5 और एक, इसके बाद माइनस में पाँच और दूरी एक हो जाएगा, माइनस में 5 इंटू 1, फिर आर ए और दूरी जीरो है तो इसको छोड़ सकते हैं आप, इसको सॉल्व करेंगे जीरो आएगा, कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद अब आपको पता है क्या साइन कहाँ पर चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर, नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई, यहाँ पर ई डैश कर दीजिएगा, और इसको जब मैं ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पर, इसको ऊपर ले गए तो इसको नाम दे दिया ई, तो लिखेंगे क्या आप, लिखेंगे ई डैश पॉइंट पर, चूँकि लिखना मत भूलिएगा प्लीज़, है ना, लिखेंगे ज़रूर ई डैश पॉइंट पर, पॉइंट पर एस एफ डी ने साइन चेंज किया है, क्या किया है, साइन चेंज किया है, एस एफ डी ने साइन चेंज किया, या लिख सकते हैं एस एफ डी का साइन चेंज हुआ है, ठीक है, क्या ई डैश पॉइंट पर एस एफ डी का साइन चेंज हुआ है, इसलिए इसलिए इस ई पॉइंट पर क्या होगा, ई पॉइंट पर, इस ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, तो हमें निकालना क्या है, इस ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, आप इतना लिख लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ फिर, और आपको ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल के दिखाता हूँ, हटा दें, चलिए ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, इनकी वैल्यूज लिख लूँ पहले मैं, क्या क्या आया है, बी पॉइंट पर मूवमेंट आया था जीरो, सी पॉइंट पर मूवमेंट आया 16 है, और डी पॉइंट पर मूवमेंट आया है 10, बाकी ए पॉइंट पर मूवमेंट था जीरो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इधर, चलिए निकाल लेते हैं, क्या निकालना हमें, ई पॉइंट पर मूवमेंट, यानी हमें निकालना है एम ई की वैल्यू, एम ई निकालना है, तो मैं यहाँ पर दूरी दिखाता हूँ, ई पॉइंट ये है, हम मान लेंगे इस साइड से कितनी दूरी है वाली, एक्स, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, तो आर बी इंटू ई तक की दूरी एक्स हो गई, आर बी की वैल्यू 16 है तो 16 इंटू एक्स, फिर नीचे की ओर लग रहा माइनस में 15, 15 से ई तक की दूरी कितनी होगी, और ये वाली डिस्टेंस आप खुद बता दीजिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक एक्स है, इसमें से एक कम हो जाएगा तो एक्स माइनस वन बचेगा, ये एक्स माइनस वन बचेगा या नहीं बोलिए, ठीक है, तो एक्स माइनस वन बच गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 15 और इंटू में एक्स माइनस वन, क्लियर। इसके बाद फिर यू डी एल, यानी सी से और ई तक का यू डी एल, ये वाला यू डी एल कितना होगा, 2 इंटू एक्स माइनस वन, लोड की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 2 इंटू में एक्स माइनस वन होगी लोड की वैल्यू, और ये सेंटर पर लगेगा बीच में, तो सेंटर तक की दूरी इस एक्स माइनस वन का भी आधा हो जाएगा, मतलब पहले तो यू डी एल में टोटल लोड निकालने के लिए दूरी से गुणा कर दी हमने, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लोड 2 यू डी एल था, दूरी केवल इतनी, तो टोटल लोड ये हो गया, अब मूवमेंट लेना तो इसका भी आधा लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ई तक, बस यही है ई तक, और तो कोई आगे लोड लेना नहीं आपको, ई तक का ये लोड थे, पहला ये आ गया, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला यू डी एल, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 16x हो गया, माइनस में ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 15x, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कितना, 15 हो गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, 16 में से 15 घटाएंगे 1x बचेगा, या केवल x लिख सकते हैं आप इसको, x प्लस 15 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ई पॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू। अब चूंकि हम जानते हैं क्या, डी एम अपॉन डी एक्स बराबर जीरो होता है ई पॉइंट पर, या ई पॉइंट पर सीयर फोर्स जीरो है ना, तो बेंडिंग मोमेंट के परिवर्तन की दर सीयर फोर्स के बराबर होती है, इसको जीरो रख दिया, तो इसको जीरो करेंगे तो मतलब पहले डिफरेंशियल लेंगे इसका, डी एम अपॉन डी, डी एम ई अपॉन डी एक्स,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इसका हो जाएगा 1 प्लस 15 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, 2 को आगे ले आएंगे 2 और एक्स माइनस 1 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब इसको 0 के बराबर रख देंगे, इसको जब इसको 0 रखेंगे तो बराबर क्या है, यहाँ 1 है, माइनस अंदर गुणा कर दीजिए 2x हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, इस 2x को इधर ले जाइए तो हो गया 2x बराबर ये आ गया 3, तो x बराबर कितना आ गया ये 1.5, एक्स बराबर 1.5, हाँ सही है बिल्कुल, यहाँ तक 1 था तो 1 से थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 हो सकता है, क्लियर ना। तो कितना आ गया है 1.5 मीटर आ गया x की दूरी, चेक भी कर लिया करें आप इस चीज़ को, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 1 था और x 1 से थोड़ा ज़्यादा है तो मतलब x हो गया 1.5, यहाँ तक बताइए समझ आया। अब ये 1.5 को आप इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर पुट करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल देते हैं कितना आ रहा है, यहाँ निकाल दे रहा हूँ ठीक है, तो मैं इस पेन से निकाल दे रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको अच्छे से। तो यहाँ लिख दीजिएगा पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड मान लीजिएगा, रिएक्शन वाली फर्स्ट थी आपकी, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर रहे हैं हम, तो रखिए यहाँ पर, तो एम ई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की जगह 1.5 प्लस 15 माइनस 1.5 माइनस 1 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर में टाइप कीजिए और बराबर कर दीजिए, कितना ये 1.5 प्लस 15 माइनस ब्रैकेट में 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और इसका कर दिया स्क्वायर, तो बराबर 16.25, कितना 16.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है जो कि एकदम करेक्ट है, यस पूरी तरह से करेक्ट है ये, समझ गए। यहाँ 0 था, 16 10 0 याद हो गया ना, मैं हटा रहा हूँ इसको, डायग्राम बनाते हैं, अब डायग्राम बना लीजिए, आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, आप मुझसे पहले बनाइए वीडियो रोक करके, फिर चेक कीजिएगा आपने जो बनाया है डायग्राम वो सही है या नहीं, ठीक है। 0 16 10, यहाँ पर बना दें, इसको रेड पेन से बना देते हैं ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये लाइन हो गई, आप सिंगल लाइन खींचेगा इसे, ओवरराइटिंग मत करिएगा, इस पॉइंट पर 0 था फिर 10 आया था ठीक है, 0 10 मैंने मिटा दिया है, कितना कितना था, हाँ 0 0 के बाद 16 था, इस पर 0 था, इस पर 16, मतलब मैंने कहाँ गया, अरे ये पॉइंट तो रह गया, आपने कैलकुलेशन नोट कर ली होगी ना, तो इस पर कितना था, 16 था, 16 था इस पर 16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद ई पॉइंट पर अभी निकाला आपने, 16 से थोड़ा ज़्यादा है, मान लो यहाँ तक आ गया 16.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद फिर आ जाओ इस पर 10 था, 16 से भी कम रहेगा 10, मान लो यहाँ तक है 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इसके बाद फिर 0 ठीक है, ये सब वैल्यूज़ थी, बना दीजिए इसको, यहाँ पर पॉइंट लोड है, बिल्कुल सीधे चलना है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे ठीक है, स्ट्रेट लाइन चलेंगे क्योंकि पॉइंट लोड में त्रिभुज बनता है। यस इसके बाद यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, पैराबोला यानी कर्व बनेगा, इसके बाद फिर इधर भी यूडीएल, ये भी कर्व बनेगा, ये कर्व ठीक है, यहाँ मैक्सिमम था, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लोड है, सीधी रेखा ये लाइन, तो ये पॉजिटिव बन गया डायग्राम, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा आपका, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है 16.25 है प्लस का, और यहाँ पर इधर 10 बाहर लिख दीजिएगा, 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आपका ये तो हो गया कंप्लीट, यस अब आपका रह गया कपल वाला और ब्रैकेट लोड वाला और वियरिंग लोड वाला, SFD BMD का एक छोटा सा टाइप ठीक है, तो उसके क्वेश्चन इनसे थोड़ा सा चेंज होते हैं, हालांकि रूल यही रहेगा, कॉमन रूल कभी चेंज नहीं होंगे, बाकी थोड़े से क्वेश्चन अलग लेवल के होंगे, वो हो सकता है BT बोर्ड में ना पूछे, और पूछ भी सकता है क्योंकि एक दो बार पूछे गए हैं, जैसे मैं बात करूं यहां पर ब्रैकेट लोड वाला 2-3 बार आया है भाई क्वेश्चन, ब्रैकेट लोड का एंड कपल वाला भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, यस कपल के क्वेश्चन भी आए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट के क्वेश्चन, वियरिंग लोड के क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो आगे वाले जो क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे वो अलग लेवल के होंगे, इनसे भी थोड़ा सा लेवल अप रहेगा ठीक है, तो उसका भी वेट कीजिएगा आप, और तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जो भी आपको बताया गया समझाया गया उन सब चीज़ों का ध्यान रखें, एंड सबसे ज़रूरी चीज़ अपना ध्यान रखें ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।